गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। एज यू कैन सी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट वन स्टार्ट किया विथ फ्यू इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिक हम लोगों ने यूनिट वन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। एज यू ऑल नो यही टॉपिक पे स्टॉप किया था ना हम लोगों ने। एनीवन? हेलो हेलो, यहीं पे स्टॉप किया था। एनी ओके, ठीक है, यहाँ पे ही स्टॉप किया था ना। ओके ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम एनी प्लेस पब्लिक और अदरवाइज। क्या होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम एनी प्लेस पब्लिक और अदरवाइज। अब फर्स्ट हम लोगों ने आईटी एक्ट सेक्शन 80 लास्ट टाइम पढ़ा था। आईटी एक्ट सेक्शन 80 क्या बोलता है कि आप डीएसपी दैट इज डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर है, इफ देर इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, सो फॉर अ कॉग्निजिबल ऑफेंस दे कैन अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट। मतलब खाली एक एफआईआर रजिस्टर। सो जो पर्सन एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, सपोज अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वर्बली बोलेगा कि ऐसा कुछ क्राइम या देन वहां पे कोई कॉन्स्टेबल या कोई एक ऑफिसर जो रहेगा वो जो भी कुछ बोल रहा है उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। एंड रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद में नीचे फिर उसका साइन होगा या थंब इम्प्रेशन होगा, जो भी है वो दोनों में से। और ये होने के बाद में देन जो ऑफिसर है उसके पास कुछ एविडेंसेस अगर प्रोवाइड होते हैं जो कंप्लेन करने आया उसके साइड से, और वो एविडेंसेस को देखते हुए और वो स्टेटमेंट जो विक्टिम ने दिया है उसको सुनते हुए एफआईआर रजिस्टर किया हम लोगों ने, और उसके बेस पे अगर हम लोग को लगता है कि हाँ ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो फिर डीएसपी या उसके ऊपर का लेवल का जो ऑफिसर है वो जाके जो भी पर्सन के अगेंस्ट ही एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसको जाके अरेस्ट कर सकता है। और जब अगर वो अरेस्ट करेंगे तो वो टाइम पे हम लोगों ने क्या बोला है कि कंडीशन क्या होगा कि आप वो पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट तभी कर सकते हो अगर वो पर्सन पब्लिक प्लेस पे, अगर वो पब्लिक प्लेस छोड़ के कोई दूसरे प्लेस पे अगर है तो वो टाइम पे सेक्शन 80 का जो पावर है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो अगर मैं सपोज अपने घर पे हूँ, ऑफिस में हूँ, सो दैट इज़ द प्राइवेट प्लेस। ऑफिस या घर पे हर किसी को आना अलाउड नहीं रहेगा। कॉलेज दैट इज़ अ प्राइवेट प्लेस। नाउ पब्लिक प्लेस कौन से कंसिडर होंगे जहाँ पे हर कोई आ या जा सकता है, लाइक टेम्पल है, चर्च है, मॉल है, कोई शॉप है, होटल है, तो ये सब जो है वो पब्लिक प्लेसेस हैं हम लोगों के, जहाँ पे किसी के भी आने जाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीवन कैन कम एंड गो। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है सेक्शन 80 के अंदर, जिससे वो जो ऑफिसर किसी को अगर विदाउट वारंट अरेस्ट करने वाला है और उसको अगर ये प्रोविजन पता है कि आप अगर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो लेकिन ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस, तो जो भी क्रिमिनल है वो क्या करेगा, पब्लिक प्लेस पे जाएगा ही नहीं, विजिट ही नहीं करेगा, वो कोई एक प्राइवेट प्लेस पे ही रहेगा जहाँ पे आपको उसको अरेस्ट करने के लिए सपोज मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स लगेंगे, अरेस्ट वारंट लगेगा। तो जब तक आप जाके सारे जो आपके पास एविडेंसेस है ये मैजिस्ट्रेट को बता के उसके पास से अरेस्ट वारंट इशू करके वापस वो पर्सन के पास आएंगे, तब तक में तो या तो वो पर्सन आपको मिलेगा नहीं या फिर उसने जो सारे एविडेंसेस है वो वाइप आउट कर देगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें सेक्शन 80 का ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये जो पार्ट है सेक्शन 80 के अंदर वो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द एनोमली और दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन 80। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, देर आर सो मेनी एनोमलीज या प्रॉब्लम्स है इन सेक्शन 80। तो अभी बहुत टाइम से ना इस पर डिबेट चल रहा है कि हम लोगों को पब्लिक प्लेस हटा के आपको वहाँ पे ये डालना चाहिए कि आप विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी प्लेस। बराबर है, एनी प्लेस आप वो पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। सो जो पब्लिक प्लेस है उसको आपको अदरवाइज एनी प्लेस करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको
अरेस्ट विदाउट अ वारंट इज जस्टिफाइड और इज इट अ हार्श इन नेचर। मतलब आप देखो कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि जो वो टाइम पे जो थोड़े बहुत इनजस्टिस होते थे या थोड़े बहुत ड्रैकोनियन लॉ होते थे, तो बहुत बार ऐसे कुछ प्रोविजंस जो दिए जाते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो जो ह्यूमन एक्टिविस्ट है या थोड़े कोई न्यूज़पेपर के जो राइटर्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको ये सारे मिलेंगे कि दे ट्राई टू प्रूव सच रूल्स या सच पावर एज अ ड्रैकोनियन लॉ। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसा हुआ करता था कि अगर किसी ने ब्राइब दे दिया पुलिस ऑफिसर को या वो, तो वो आप देखो कि वो टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। रेयरली आपको कोई एकादा कोई ऑफिसर मिलेगा जो करप्ट नहीं है। ओके सॉरी गाइज। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो ड्रैकोनियन लॉ जो है वो होता है कि जहाँ पे आप किसी ने ब्राइब दे दिया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे करप्ट लोग थे तो उन्होंने ब्राइब दिया, तो हम लोग जाके किसी के भी अगेंस्ट कोई फेक केस बना के उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर गलती से वो पर्सन के ऊपर कॉग्निजिबल क्राइम लगा के अगर उसको अरेस्ट किया, तो जब तक अभी कोर्ट में वो केस चलते रहेगा तब तक ये पर्सन जो है वो जेल में रहेगा। आप देखो कोई एक पर्सन को अगर ऐसे फेक केस में अगर पकड़ा है, फेक कोई एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब अगर हम लोग वो पर्सन को केस चलाएंगे, सपोज वो उसके ऊपर जो सारे हम लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे वो अगर प्रूव नहीं होता है, फिर भी 6 महीना 1 साल 2 साल वो जेल में तो रहा, पब्लिक इमेज स्पॉइल हो गया, फैमिली का जो इमेज है वो स्पॉइल हो गया, उसका कुछ जॉब था सपोज वो चले गया। मतलब आप देखो कि अगर गलती से ऐसे कॉग्निजिबल ऑफेंस जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे वो है वहाँ पे अगर हम लोग कॉग्निजिबल ऑफेंस बोल के अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो लाइफ है वो पूरा स्पॉइल हो सकता है। क्रिमिनल नहीं है, बाद में वो क्रिमिनल भी बन सकता है, ये प्रॉब्लम है। आप देखो कि अगर सपोज कोई एक प्रोफेसर है, अब अगर वो उसका जॉब चल रहा है हर एक कॉलेज में कहीं पे या कोई एक आधा कॉलेज में, सडनली अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस में अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, बाद में उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे थे वो प्रूफ नहीं होते, वो केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जब वो वापस सोसाइटी में आएगा तो उसके फैमिली को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कॉलेज में जहाँ पे वो था वहाँ पे उसको वापस जॉब नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन एक रीज़न होगा वहाँ पे कि ओके अब ये जो भी केस हो गया प्रूव नहीं हुआ, फिर भी अभी हम लोग के कॉलेज का नाम हम लोग को न्यूज़ में नहीं चाहिए फॉर निगेटिव रीजन्स। तो आप देखो कि पूरा लाइफ जो है वो चेंज हो जाता है। सो अभी कोई एक जो बहुत आराम से रह रहा था उसको तकलीफ होगा, सो कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बात है। तो मतलब हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि अगर कोई एक केस में हम लोग अरेस्ट विदाउट वारंट पावर दे रहे हैं लेकिन उसको कर्टेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हम लोग उसको लिमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये लिमिट करने की भी ज़रूरत है कि जब अगर कोई उसको मिसयूज़ करेगा तो वो टाइम पे वो एक लिमिट तक उसको मिसयूज़ करे, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट प्रूव करने का ट्राई किया। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। आप देखो कि डाउरी केस होता है विमेन अगेंस्ट, मतलब इंडिया में है ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है क्राइम अगेंस्ट विमेन के लिए। मतलब आपने आप अगर पुलिस स्टेशन में रह जाओगे ना केस लेके, और अगर कोई विमेन है या कोई लड़की है वो अगर केस कर रही है, तो पुलिस पहले जो है वो लड़की का या वो विमेन का सुनेंगे इंस्टेड ऑफ लिस्निंग टू मैन और सम अदर पर्सन। तो आप देखो कि ये एक मेंटेलिटी हो गया है कि अगर लड़की या कोई दूसरी विमेन अगर केस कर रही है तो उसके एलिगेशंस बहुत टाइम सच ही होंगे, ऐसा नहीं है। आपने अगर न्यूज़ पेपर्स अगर पढ़े रहेंगे, जो भी डाउरी केसेस कंप्लेन जो फाइल होता है पुलिस स्टेशन में, उसमें से 60% जो केसेस है ना वो फेक प्रूव हो रहे हैं आज के टाइम पे, कि जो जो घर में जो डॉटर इन लॉ आई है, जिसकी किसी के भी बहू आई है,
अब वो ब्लैकमेल करेगी कि मुझे घर चाहिए, मुझे अलग से रहना है, ये वो। फैमिली वाले जब अगर मानते नहीं है तो वो जाके पुलिस में डायरेक्ट डाउरी केस उनके अगेंस्ट फाइल करती है या हरेसमेंट केस फाइल करती है। और वो ऐसे केसेस होते हैं जिस पे आप जाके, मतलब अभी ये जो केसेस हुआ इसमें पुलिस को डायरेक्टली जो उसके इन लॉज है उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब उनको अरेस्ट कर दिया, 1 साल 2 साल ये केस चल गया, तो जब तक वो केस ख़त्म नहीं होता तब तक ये लोग तो जेल में ही हैं। अगर 6 महीना भी या 3 महीना भी अगर केस चलता है तो तब तक तो आपने अपने जो इन लॉज है उनको जेल में डाल दिया। सो ये सब रीजंस की वजह से क्या होगा, बाद में भले केस फॉल्स प्रूव हो रहा है लेकिन जो 3 महीना जेल में रहे वो तो पनिशमेंट हो ही गया ना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी क्राइम। सो ये एक पॉइंट भी करेक्ट है। सो ये जो डिबेट चल रहा है ना वो यही डिबेट चल रहा है कि अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो हम लोग कैसे उसको कर्टेल कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी सच में कोई ऐसे केस होते हैं और वहाँ पे आपने ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो दोनों वे में ये प्रॉब्लमेटिक है कि अगर ज़्यादा पावर भी दे दिया तो मिसयूज़ होगा, कम पावर भी दे रहे हैं तो कोई जेन्यून केस में हम लोग वो क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, और जब तक हम लोग उसके अगेंस्ट वारंट लेके आएंगे तब तक में या तो आपको मिलेगा नहीं या उसने जो एविडेंस है वो वाइप आउट कर दिया। सो अब ये एक छोटा सा डिबेट का टॉपिक है, यहाँ पे अभी के लिए हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया, मतलब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको दोनों साइड करेक्ट लगेंगे कि ब्रिटिश टाइम का ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप जाके एक पुलिस ऑफिसर को ब्राइब कर रहा है वो एक फेक कॉग्निजिबल केस बना रहा है सीरियस नेचर का, जिसमें पकड़ के कोई एक बंदे को वो अरेस्ट करा देगा और जब तक वो बाहर आएगा तब तक 2-3 साल निकल गए रहेंगे, लाइफ स्पॉइल, फैमिली स्पॉइल, सब कुछ, करियर भी खत्म। नया स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड दैट इज़ द रीज़न। आप देखो कि जब कभी अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो हम लोग वो जो क्रिमिनल है ना उसका कभी भी फेस रिवील नहीं करते। बहुत सारे केसेस में आप देखो कि एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा चलाने के चक्कर में लोग जो क्रिमिनल है ना उसका फेस रिवील कर देते हैं। अब वो क्रिमिनल है, सपोज कि कोई एक पर्सन है जिसने रेप किया हुआ है, मर्डर किया है, जो भी प्रॉब्लम है। अब वो रेप या मर्डर उसने किया है, उसके फैमिली ने नहीं किया है। आप जब फेसबुक पे या कहीं पे आपने बहुत बार देखा रहेगा कि वो कोई छोटी बच्ची है उसके साथ रेप हुआ और अब सडनली जो क्रिमिनल है या जिसके ऊपर फिलहाल केस हुआ है, जो सस्पेक्ट है, वी कैन से सस्पेक्ट है, वो उसका सडनली फेस आ जाता है वो बच्ची का, कोई तो एक बहुत मायूस सा एक इमेज आएगा या उसका जो डेथ बॉडी है या और कोई ऐसे इमेज आएंगे बाजू में, वो जो क्रिमिनल है या जो सस्पेक्ट है उसका वहाँ पे इमेज आएगा और नीचे फिर स्टेटमेंट लिखे रहेंगे। वी गॉट एनकरेज्ड, ऐसे ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक पार्टी खुद को एडवर्टाइज कर रहा है। रिमेंबर वो जो विक्टिम है उसको जस्टिस नहीं दिला रहे, यहाँ पे कोई ना कोई एक पार्टी खुद का एडवर्टाइज कर रही है। और वो एडवर्टाइज कैसे करेगी कि हम लोगों ने ये बच्ची को जस्टिस दिलाया और उसके लिए हम लोगों ने ये क्रिमिनल को पकड़ाया, उसको सजा दिया। लेकिन आप देखो कि लीगली दिस इज नॉट अलाउड, या अगर आपको अगर थोड़ा बहुत अगर सेंस है, आप अगर थोड़ा बहुत अगर लॉ समझते हैं तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक पर्सन ने, फैमिली का कोई एक पर्सन ने कुछ क्राइम किया है, आप जब उसका फोटो इंटरनेट पे वायरल करते हैं और बाद में अगर वो पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं होता है, ये प्रूव होता है कि उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी आपने जो उसका फोटो स्प्रेड किया उसके बाद उसका इमेज तो स्पॉइल हो गया। दूसरी बात, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो वो तो जेल में जा रहा है, वो उसने जो पनिशमेंट किया उसने जो क्राइम किया उसका पनिशमेंट उसको मिल गया, लेकिन उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स का क्या फॉल्ट है? उसका छोटे बच्चे कोई अगर स्कूल में जा रहे हैं, उसके कोई छोटे भाई बहन है, उसके अगर एजेड माँ बाप है, उनका क्या फॉल्ट है उसमें? तो आप जब ऐसे कोई फोटो या पोस्ट जब वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इट मींस कि आप भी वो जो एक नॉनसेंस चीज़ है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप वो जस्टिस फॉर दिस करके हम लोग जो बोर्ड पकड़ते हैं उसमें सेकेंड पॉइंट ये है
कि आप जब कोई क्रिमिनल के फेस के साथ में बैनर्स या पोस्टर्स लगा रहे हैं, तो वो क्रिमिनल अगर अगर प्रूव होता है तो उसको सजा मिल जाएगा, लेकिन अगर वो क्रिमिनल प्रूव नहीं होता है देन उसका फैमिली और वो लाइफ टाइम वो सफर करेंगे, बिकॉज उसके वो जहाँ वो एरिया में रहता है वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। कोई कोई दूसरे जो नेबर्स है, पहचान वाले रिलेटिव्स है, वो कोई उसके साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे, बराबर है? तो लाइफ टाइम अभी उसको ना जॉब मिलेगा, ना और कुछ, ना ये ना वो ना। तो आप देखो कि एक आप सालों से कोई एक एरिया में रह रहे हो और वहाँ पे अगर आपके नाम का ऐसा न्यूज़ फैल जाता है आपका फोटो के साथ में, तो अभी आपको वो एरिया में रहना, वो सिटी में रहना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, जब आपको वही एरिया में 500 1000 2000 लोग पहचानते रहेंगे। अगर हम लोग बहुत टाइम से अगर वहाँ पे रहे हैं तो ऐसा होगा ही, नॉर्मली आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे पहचानते रहेंगे, और जो नहीं पहचानते वो भी पहचानने लगेंगे। तो आप कहीं शॉप पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो मेंटल हरेसमेंट आप सोचो कितना होगा। आप इतना इतना इजी नहीं रहता है कि आप वहाँ से वो प्लेस छोड़ के कोई दूसरे प्लेस पे इतना इजीली माइग्रेट कर पाएंगे इन सच सिचुएशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द टोटली सेंसलेस थिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा फुलफिल करने के लिए बहुत बार यूज़ करते हैं। सो अगर हम लोग लॉ जैसा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको अगर कोई ऐसा पोस्ट मिलता है नेक्स्ट टाइम जिसके ऊपर किसी का फेस दिख रहा है, सो यू सपोज टू ऑल्सो मेक मेक वन करेक्ट, वी कैन से मेक वन करेक्ट डिसीजन बाई नॉट शेयरिंग और लाइकिंग सच पोस्ट। और आपके फैमिली में अगर कोई कर रहा है तो आपको ये उनको समझाना है कि हम लोगों ने कोई कॉग्निजिबल केस में किसी को पकड़ा है और उसके बाद में उसका इमेज अगर हम लोग डाल के अगर सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ उसको वो 2 3 5 साल 10 साल का जो सजा है वो तो होगा ही, उसके साथ में हम लोग उसके पूरे फैमिली को लाइफ टाइम के लिए सजा दे रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी अ केस। और वही हम लोग यहाँ पे डिबेट चल रहा है। और बाय द वे फोटो आप देखो, क्रिमिनल को किसी को भी पकड़ते हैं ना तो उसका फेस जो है वो हमेशा कवर्ड रहता है, सो दैट एक बार उसको जो भी उसने क्राइम किया है वो पनिशमेंट उसको मिल जाए और उसके बाद जब वो रिलीज हो जाए तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर हम लोगों ने उसका फेस रिवील कर दिया तो वो पनिशमेंट के बाद सोसाइटी उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, कैन यू इमेजिन कि कोई एक सपोज रेप केस में कोई एक पर्सन अंदर गया था या फिर कोई चोरी के केस में अंदर गया था, अभी उसका फेस पुलिस ने रिवील कर दिया, आपने उसको न्यूज़ में देखा था, नेक्स्ट टाइम अगर वही पर्सन जेल में सजा काट के एक नया लाइफ स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है और वो टाइम पे आपके पास जॉब पे आ रहा है, वो चोरी के केस में गया था सपोज, तो आप तो उसको जॉब दोगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज आपको याद है कि हाँ ये पर्सन था जिसने चोरी किया था, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि उसने वो पनिशमेंट भी ले लिया उसका। सो दैट इज द मेन रीजन हम लोग फेस रिवील नहीं करते। और कोई पोस्ट जो ऐसे होता है ना वो आईटी एक्ट के अंदर आता है, तो ये आप एक एग्जाम्पल नोट करके रखना, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे डिफरेंट केसेस, सो आपको मुझे बताना है कि अगर कोई एक ऐसा रेप या मर्डर केस हुआ है उसमें जो सस्पेक्ट है उसका फोटो अगर हम लोग वो विक्टिम के फोटो के साथ में या उसका जो डेड बॉडी है उसके साथ में ऐड करके अगर हम लोग भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, वायरल करते हैं, बराबर है? सो इज इट अ क्राइम कि आप वो उसको उसके फैमिली को भी आप पनिश कर रहे हैं? आई होप क्लियर। ओके, सेकेंड थिंग, आपने हैदराबाद वाला एक केस सुना रहेगा जिसमें पुलिस ऑफिसर ने सबको एक साथ एनकाउंटर कर दिया था सबका। अब आप देखो कि जो भी वहाँ पे वो गैंगरेप में इन्वॉल्व थे वो सबका एक साथ एनकाउंटर हो गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये करेक्ट है। बट इसका सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम लोग देखेंगे सो उसमें ये भी आ सकता है कि कोई एक बहुत पावरफुल पर्सन उसमें इन्वॉल्व था साथ में वो क्राइम में, और ये जो लोग पकड़े गए वो पर्सन का नाम पुलिस के सामने या कोई एक रिपोर्ट में रिवील ना कर पाए, मतलब और किसी को बाहर पता ना चले, इसके लिए भी वो सबका एनकाउंटर हो सकता है। बिकॉज हर बार हम लोग ऐसा नहीं देखते कि कहीं पे मर्डर होने के बाद में इमीडिएटली दूसरे दिन वहीं पे लेके जाके उनका एनकाउंटर कर दिया, एक मूवी वाला सीन क्रिएट हो गया। आप देखो कि वो मूवी का जो सीन है वो अलग है,
रियल लाइफ में जब अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखो कि वहाँ पे 3 लोगों को जाके लेके जाके एनकाउंटर किया गया जो स्पॉट था उस पर, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो देख लेना, आपको न्यूज़ में, यूट्यूब पे, हर जगह पे मिल जाएगा। सो हैदराबाद में एक लड़की को हाईवे के पास, टूल प्लाजा के पास में कहीं पे तो पकड़ के गैंगरेप होता है, उसको जला दिया जाता है। दूसरे दिन पुलिस को पता चलता है, वो जो भी लोग थे उनको अरेस्ट करते हैं। अब उसमें कंफर्म पता नहीं है कि वो 3 थे 4 थे या 5 थे। पुलिस ने कुछ 3 लोगों को शायद अरेस्ट किया था, और बाद में सडनली पता चलता है कि उनको वहाँ पे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वही प्लेस पे लेके जाया गया जहाँ पे उन्होंने जो विक्टिम है तो उसको कहाँ से पकड़ा था, कौन उसको लेके आया, किसने रेप किया, किसने सेकेंड किया, थर्ड किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सडनली वो लोग वहाँ से भागते हैं। आप देखो कि इतने सारे पुलिस है जिनके पास हाथ में गन है और उनके बाद भी वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। इन शॉर्ट ये प्रूव होता है कि हम लोगों ने इंस्टेंट जस्टिस दिलाया एक लड़की को। बहुत अच्छा है सुन के, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेकेंड थॉट पे ये देखो आप कि क्या प्रूफ है। अगर केस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, जब तक हम लोगों ने सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा है, उनके पास से पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो अभी क्या प्रूफ है आपके पास कि सिर्फ 3 लोग थे। और इतना इंस्टेंस जस्टिस जो मिला है वो अच्छी बात के लिए मिला है, क्योंकि उसके बाद वो केस दब गया, कभी बाहर नहीं आया। जो पुलिस ऑफिसर्स ने एनकाउंटर किया था, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उनको, और उसके बाद में उनके ऊपर कुछ अगर इंटरनल इंक्वायरी भी बैठा तो उसका क्या रिजल्ट आया ये कभी न्यूज़ में नहीं आया। और इतना सडन एनकाउंटर करने का परमिशन उनको कैसे मिला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आया। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो जो आ, आ, क्रिमिनल्स का एनकाउंटर हुआ है तो वो उतने ही क्रिमिनल्स थे कि जिसको आपने इंस्टेंट इंस्टेंट वहाँ पे एनकाउंटर करके जस्टिस दे दिया, या फिर कोई बहुत बड़ा फेस बैकग्राउंड में इन्वॉल्व था जिसको बचाने के लिए, या वो कोई बहुत बड़े मिनिस्टर के बेटे को या किसी को बचाने के लिए जो थोड़े कम या जो एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग थे जिनके पेरेंट्स या फैमिली कुछ नहीं कर सकता आगे, उनका इनकाउंटर इसके लिए किया। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना तो उसका मेन रीजन ये रहता है कि आपको कोई एक चीज़ को भावनाओं में बह के, इमोशनल होके नहीं सोचना है, आपको उसका सेकेंड वे भी सोचना है कि अगर एनकाउंटर हो गया, इंस्टेंस जस्टिस मिल गया, मूवी में वो देखने सुनने में अच्छा लगता है, हीरो जब करता है वो अच्छा लगता है, रियल लाइफ में जब अगर इतना इंस्टेंस अगर जस्टिस मिल रहा है तो उसका कोई तो एक बैकग्राउंड में रीजन है कि जिसके बाद में वो केस कभी बाहर नहीं आता है, वो केस का कभी कहीं पे कोई भी पर्सन, कोई न्यूज़ उसका कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है कि आगे पुलिस के ऊपर अगर इंक्वायरी हो रहा है तो क्या उनके ऊपर इंक्वायरी हुआ या नहीं हुआ, बराबर है, या आगे वो केस में आगे क्या हुआ। सो इट मींस गारंटी वहां पे कोई तो बड़े फेस को बचाया गया, ठीक है। आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप जाके एक बार देखना जो मैंने आपको बताया, दैट दिस इज वी कैन से दिस इज समथिंग जो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब कोई रूल्स या लॉ पढ़ता है ना तो उसमें डिटेल में इसलिए हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर ऐसे कुछ चीज़ों से अगर खुश होता है तो जब अगर हम लोगों ने लॉ पढ़ा है ना तो आपको उसको सेकेंड साइड से देखने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो जो उसका जो सेकेंड साइड है ना, वो सेकेंड साइड आपको पता होना चाहिए, वो सेकेंड साइड क्या है उसका, या आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ एक लगता है मूवी में हम लोग देखते हैं तो वैसा ही वो करेक्ट है क्या। गेटिंग? सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम एनी प्लेस इज जस्टिफाइड, एनी प्लेस, बराबर है, तो ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि क्रिमिनलिटी देर शुड बी अ पेनल्टी अंडर ITI, ठीक है। इफ ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल देन पुट अ बिग बर्डन ऑन प्रोसिक्यूशन अपॉन द कंप्लेंट। सो अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वो टाइम पे तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद होगा। एज वी आर अवेयर दैट द साइबर क्राइम हैव नो बॉर्डर डिस्टेंस एंड साइबर क्रिमिनल्स आर इनविजिबल, किसने कहाँ से क्राइम किया हम लोग को पता नहीं है, देन इट इज अनरीजनेबल दैट द विक्टिम्स
टू अंडरगो अ कंप्लेन प्रोसीजर एंड टू वेट फॉर अ ईयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अपियर एंड फेस ट्रायल. क्रिमिनल साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स मिनट्स में कभी कभी कंप्लीट हो जाते हैं. प्लानिंग उसका बहुत बड़ा चलता है. रिमेंबर हैकिंग या जो हम लोग ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, किसी का नेटवर्क डाउन करना, किसी का वेबसाइट पे कोई दूसरे कंटेंट डाल देना. मूवी में जैसे बताते हैं कि वी हैव सम हैकर्स एथिकल ये वो, और वो आके अपना हाथ साफ करके स्टाइल में बैठते हैं और 5-6 बार 10 बार कीबोर्ड पे उंगली घुमा के कोई एक साइट या कुछ एक हैक हो जाता है. बकवास है वो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. रियल में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्लानिंग चलता है, जो प्लानिंग जो है वो 1 महीना 2 महीना 6 मंथ्स तक जाता है. और वो प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कहाँ से कैसे हम लोग ये साइट पे या ये नेटवर्क पे अटैक कर सकते हैं, कहाँ से एक बैकडोर है, कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता है. ऐसी 1 दिन में 1 घंटे में 10 मिनट में नहीं होता है. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब इतने बड़े प्लानिंग के बाद में आपने वो अटैक जो होता है वो 5 मिनट में 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए होगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग जो है ना वो बहुत टाइम से चलते रहता है. सो ऐसा कुछ प्लानिंग किया है और वो टाइम पे जिसने प्लान किया या जिसके थ्रू वो अटैक हुआ उसके ऊपर जब अगर ट्रायल चलना है, तो आप अगर बोलते हो कि ओके पहले हम लोग जाएंगे थोड़े कुछ एविडेंसेस ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मैजिस्ट्रेट को बोलेंगे कि ऐसा कुछ है, वो खुद के थिंकिंग अपने रीजनिंग के हिसाब से सोचेंगे कि ओके यहाँ पे ये इनफ एविडेंस है क्या जिसके अगेंस्ट मैं वो पर्सन जो है उसके घर का सर्च वारंट इशू करूँ या वो पर्सन का अरेस्ट वारंट इशू करूँ. अगर वो सर्च वारंट इशू करते हैं और घर पे आपको वापस कुछ एविडेंस मिलता है तो आप वापस मजिस्ट्रेट के पास जाके वो पर्सन के लिए अरेस्ट वारंट डिमांड करेंगे. फिर अगर अरेस्ट वारंट मिलता है तो फिर आप उस वो पर्सन को अरेस्ट करेंगे. फिर अरेस्ट करने के बाद में अगर उसका वकील आके अगर वो बेल पेपर लेके आता है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा. और उसके बाद में आप वापस डिमांड करेंगे कि मुझे ये पर्सन के साथ इन्वेस्टिगेशन करना है, सो आपको उसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए कस्टडी चाहिए. और वो कस्टडी 3 दिन के लिए क्यों चाहिए ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा. अगर आप उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकते तो फिर आप उसके सिर्फ 1 दिन के लिए सुबह से शाम तक बुलाओगे और वापस फिर उसके बाद में वो चले जाएगा. सेकेंड थिंग, बहुत बार उसके साथ उसका लॉयर या कोई बैठा रहेगा तो पुलिस जो अपने वे में इन्वेस्टिगेशन करता है वो नहीं कर पाएगा, है ना. बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है, बाई लुकिंग एट द नेचर ऑफ साइबर क्रिमिनल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ जिसने कंप्लेन किया है, कंप्लेनेंट बोलते हैं उसको, इट डिस्करेज देम फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन. मतलब अगर आपने देखा है कि अगर ऐसा कोई साइबर क्राइम का सबसे पहले अगर हम लोग ने कंप्लेन फाइल किया तो किसी ने सुना नहीं, जब किसी ने सुन के अगर केस फाइल किया तो वो केस का जस्टिस मिलने में यहाँ पे हम लोग का 1 साल 6 महीना या सिर्फ वो पर्सन को अरेस्ट करने में चले गया, बराबर है. और उसके बाद भी केस चलते रहा, आपको रोज जाना पड़ता है, उसका कोई डिसीजन नहीं आता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और फाइनली फिर आपके अगेंस्ट ही उसका डिसीजन आता है. तो ये क्या होगा, ऐसा एक एग्जांपल देख के, ऐसा एक एग्जांपल जब न्यूज़ में आता है ना वो देख के बाकी लोग जो है ना वो कभी केस फिर फाइल करने जाते ही नहीं है. आप देखो कि आज भी आप अगर दूसरे कोई डेवलप कंट्री में अगर हम लोग हैं, जैसे हम लोग अगर ब्रिटेन में है या यूएस में कहीं पे अगर हम लोग हैं और वहाँ पे अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि मैं तेरे अगेंस्ट जाके मैं केस फाइल करूँगा, तो वहाँ के लोग जो है ना उसको सीरियसली लेते हैं और वो लोग आउट ऑफ कोर्ट या केस होने के पहले ही सेटलमेंट का ट्राई करते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई जा केस कर ले, देखते बाद में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि आप एक बार अगर केस एक बार अगर आपका केस चालू हुआ तो इट विल टेक 5 इयर्स 10 इयर्स, बराबर है, क्या लिमिट है पता नहीं है. और कभी कभी तो ये केसेस का एकदम हाइट हो जाता है, 10-15-20 साल के बाद में जस्टिस मिलता है. आपने वो मुंबई के ही कोई चर्चगेट साइड के ऑफिस का एक नर्स का केस देखा रहेगा कि वो एक वार्ड बॉय ने उसका रेप किया था और बाद में वो कोमा में चली गई थी और जब तक उसको जस्टिस मिला तब तक इतना टाइम चले गया था और वो पूरा लाइफ टाइम वो कोमा में ही थी और बाद में लास्ट में वो उसका डेथ हो गया. दूसरा एक केस आता है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मतलब ज़्यादा वो मच्योर टाइप नहीं है, थोड़ा सा वो
उसका मतलब हम लोग बोलते हैं ना लर्निंग डिजेबिलिटी और ऐसे होते हैं, मतलब वो एकदम एकदम आपको ऐसा भी नहीं लगेगा जैसे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जिनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, और एकदम नॉर्मल पर्सन्स के टाइप में भी नहीं रहेंगे, इन बिटवीन होते हैं। और इन इन इनके साथ कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्सन को आपने, ये रियल केस है, मैं एग्जैक्टली वो केस का नाम या भूल गया, तो वो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है कुछ छोटा सा चोरी का या ऐसा कुछ तो केस रहता है जिसके लिए अरेस्ट करते हैं, बाद में वो मेंटली, वो टाइम पे वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता है, जैसे मैंने बोला कि लर्निंग डिसेबिलिटी या ऐसे होता है, तो वैसा छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो जज जो है वो उसको मेंटली अनस्टेबल प्रूव करके और बाद में बोलते हैं कि आप इनको मेंटल असाइलम में लेके जाओ, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद में हम लोग जो है उनका आगे का जो कंप्लेन या केस है वो करेंगे। तो अब ये पर्सन जो है वो मेंटल असाइलम में जाता है, और वो टाइम पे जो ऑफिसर था वो रिटायर होके कोई दूसरा ऑफिसर आता है। अब डेली बेस पे, मंथली बेस पे हज़ारों केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में, और ये जो मेंटल असाइलम में पर्सन है वो अभी वहाँ पे ही है, उसका वापस कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है, उसके फैमिली में कोई दूसरा नहीं है, और उसके बाद में जो वहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो भी अभी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा है तो वहाँ पे वो लोग आते हैं, उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो जो पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम रहेगा उनको वो चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अब जब बहुत टाइम तक नहीं, इसका कुछ जजमेंट नहीं आ रहा है या लोग भूल गए हैं इसके बारे में, तब जाके वहाँ का एक डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट को वापस इसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि ये एक विक्टिम हम लोग के पास है जो वहाँ पे 30 साल से, मतलब जब वो गया था तब वो यंग था और जब वो बाहर आया तब वो एजेड है। आप देखो कि लाइफ टाइम उसने जेल में निकाला, मेंटल असाइलम में निकाला, जेल में भी नहीं, और उसका जो केस था वो तो कभी वो डिसमिस हुआ, क्या हुआ ढंग से, क्या उसका डिसीजन आया, कुछ आइडिया नहीं है। कौन से जज के थ्रू वो मेंटल असाइलम में गया था, कौन से पुलिस ऑफिसर के सा को वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना था कि उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो वापस उसका सेम केस हम लोग कंटिन्यू रखे, किसी को नहीं पता है। और ये केस जब बाहर आया तब पता चला। अब ऑफकोर्स उसका लाइफ जो पूरा मेंटल असाइलम में चले गया है, अब बाहर आके उसका ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर जाके जॉब या कुछ कर सके, लाइफ में उसने कुछ किया ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो अब अगर ऐसा कोई केस है वो टाइम पे, अब कंपेंसेशन उसको कौन देगा जब अभी उसका एज रहा नहीं है कुछ जॉब करने का, कोई अर्निंग करने का, तो अभी उसके पास सोसाइटी में अभी उसको कोई पहचान नहीं है, अभी उसके कोई रिलेटिव या कोई है नहीं। तो जब वो ऐसा पर्सन अगर बाहर आता है तो आपने मेंटल असाइलम से उसको बाहर भेज दिया, अब उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो रोड पे बैठ के भीख ही मांग सकता है, यही बच गया, या आपने कोई एक ओल्ड एज होम में उसको रखा, मतलब लाइफ टाइम उसका मेंटल असाइलम से निकल के ओल्ड एज में गया, पूरा लाइफ आपने किसी का खराब किया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसका क्वेश्चन आज तक नहीं मिला है वो केस में। सो दैट्स वाई जब हम लोग अगर कोई साइबर क्राइम्स, क्रिमिनल्स या लॉ की बात करते हैं तो किसी किसी के लिए यहाँ पे लिखे हुए कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स जो है वो उनके लाइफ, फैमिली सबके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो डिबेट कर रहे हैं ना, वो डिबेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ जो पब्लिक प्लेस से अरेस्ट है वो हटा के आपको ये एक वर्ड ऐड करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ पब्लिक प्लेस हम लोग कहीं से भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो सर्टन केसेस के लिए ये प्रॉपर लगता है, लेकिन सर्टन केसेस के लिए ये फिजिबल नहीं लगता है। तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचने आना चाहिए, ये थिंकिंग डेवलप करना ये मेन, ये सब्जेक्ट का मेन मोटिव है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम इज डन बाय पुलिस ऑफिसर, सो इट इम्पॉर्टेंट टू वेस्ट पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वॉरेंट इन स्पेसिफाइड पुलिस ऑफिसर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर एज इन सेक्शन 80 रिगार्डलेस ऑफ द अक्यूज्ड प्लेस। सो आप सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ जो आईटी केसेस इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड ऑफिसर्स है उनको ये पावर दे दो। दूसरी प्लेस दूसरी पॉइंट कि आप सिर्फ जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऑफिसर जाके किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, उसका रैंक डीएसपी या उससे बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो कि एक पुलिस स्टेशन में मैक्सिमम आपको एक से दो
डीएसपी ऑफिसर्स मिलेंगे। अब वो रैंक के या उससे बड़े रैंक के ऑफिसर्स कभी इतने फ्री नहीं रहेंगे, दे आर अलॉट बिजी विथ अदर वर्क एज वेल। तो अब आपके पास वो साइबर सेल में, पुलिस स्टेशन में जब कभी कोई केस लेके आता है, वो टाइम पे अगर वो ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे तो ही तो वो ये केस सुन के समझ के और अपने हिसाब से कॉग्निजिबल, मतलब कॉग्निजिबल केस है कि नहीं, अपने साइड से डिसीजन लेके अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ही कोई दूसरे केस या कोई दूसरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, ये केस वो सुनेंगे ही नहीं। और ऐसे आप देखो कि हर हफ्ते में 2-3 केस आता है। तो अब आपके पास जो रैंक के ऑफिसर्स सेक्शन 80 में डिफाइंड है, वो रैंक के ऑफिसर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। लेकिन उसके सामने अगर मैं बोल दूं कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के जो लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको अगर मैं ये हम लोग ये वाला पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वहाँ पे एक टाइम पे हम लोग इसको जस्टिफाइबल बोल सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हाँ, ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को अगर आप पावर दोगे, तो अगर वो टाइम पे बड़े रैंक का ऑफिसर वहाँ पे नहीं है, तो भी वो केस के अगेंस्ट कोई ना कोई एफआईआर फाइल करके, जो पर्सन के ऊपर एफआईआर हुआ है, उसको जाके अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये भी है कि जब अगर आप ये पावर ज़्यादा ऑफिसर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ज़्यादा लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। और जब अगर हम लोग डीएसपी या उसके ऊपर के ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो वो जो है दे कम्स फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, लाइक आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तो आईपीएस ऑफिसर जो है आपका, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहा है डीएसपी या उसके ऊपर के लेवल पे। तो अब जब इतने पढ़े लिखे ऑफिसर्स अगर आ रहे हैं, तो वो अपने साइड से रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले सकते, या रेयरली ऐसा होगा कि वो कोई रॉन्ग डिसीजन लेके अगर अपना कोई दुश्मनी निकाल रहा है। तो हम लोगों ने एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपने वो स्पाइडरमैन का डायलॉग सुना रहेगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे वो सेम एक बहुत बड़ा पावर है, और उसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझ सकता है वैसे लेवल के ऑफिसर को ही दे रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट। सो आप देखो, दोनों साइड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करेक्ट है, रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग इतना इजीली अगर डिसाइड कर सकते थे, तो ये जो डिबेट चल रहा है ना, वो अभी तक कब का खत्म हो गया रहता था ना। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नॉन कॉग्निजिबल केसेस कोर्ट आस्क पुलिस ऑफिसर टू डू इन्वेस्टिगेशन, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेनी साइबर क्राइम इज टायरसम। क्योंकि सबसे पहले तो जो पुलिस ऑफिसर्स है, कोई कोई जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा आईटी फ्रेंडली नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, या उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो आप देखो कि अगर हम लोग के पेरेंट्स लेवल के ऑफिसर्स हैं, जिनका रिटायर होने में 5-6 साल बचे, आप उनको आईटी का ट्रेनिंग दे रहे हो, जिन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप पे चलाया नहीं है, या चलाया भी है तो उस पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दो मूवी चलाए रहेंगे, या उससे भी ज़्यादा अपना फेसबुक या इंस्टा अकाउंट चलाया रहेगा। अब ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिनको आप साइबर केसेस का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एज पे सबसे पहले तो नए चीज़ सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप अपने मॉम डैड को ही कोई नया गैजेट या कुछ दे दो, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, मेरा पुराना वाला जो स्मार्टफोन या जो चीज़ था वो ढंग से था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है, ये मोस्ट ऑफ जो हम लोगों के जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सेम चीज़ अप्लाई होता है जो हम लोगों के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए आप फ्रेशली जो आईटी ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ऐसे लोगों को लेके आप उनको ट्रेन करो, बिकॉज दे आर रेडी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। उनको इंटरेस्ट भी आएगा और वो बहुत प्रॉपरली ढंग से ये केसेस को हैंडल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको अगर ट्रेनिंग देता हूँ, तो आप समझ पाओगे, सीख पाओगे, आपको इंटरेस्ट होगा, ये आपका जॉब है। और स्टार्टिंग से अगर हम लोग किसी को सिखा रहे, ट्रेन कर रहे, और वो आईटी से ही है, तो उसको ज़्यादा समझ आएगा कंपेयर टू कोई एक ऑफिसर जिनके रिटायरमेंट में 5-6 साल बचे हैं। तो वो क्या बोलेगा कि छोड़ो, अभी 5-6 साल के लिए क्यों सीखना है, थोड़ा बहुत वो जो भी बोल रहे हैं वो हाँ कर देंगे। और ऐसे ऑफिसर्स को जब आप अगर ऐसे कोई केस इन्वेस्टिगेट करने दोगे ना, तो सबसे पहले तो आधे चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगे, और जब तक समझेंगे तब तक तो बहुत लेट हो गया रहेगा। जिसने क्राइम किया उसने सारे प्रूफ भी वाइप आउट कर दिए, गेटिंग। और अगर समझ में भी आता है, तो कहाँ से क्राइम हुआ, कहाँ से एविडेंसेस जमा करना है, ये समझ में नहीं आएगा। सो इट मींस इन्वेस्टिगेशन जो है ना, ये बहुत टायरसम होता है। और उसमें आपको क्या बोला है, पावर ऑफ कोर्ट,
एंड इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड बाय पुलिस इन कॉग्निजेबल केसेस। तो ये टाइम पे कोर्ट के पास ज़्यादा पावर रहता है नॉन कॉग्निजेबल केस में। आपको हर एक चीज़ के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है, बराबर है, नॉन कॉग्निजेबल केस में। और कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास ही इनफ इन्वेस्टिगेशन के पावर रहते हैं कि वो खुद से ही कर सकता है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, द पावर ऑफ पुलिस इज मोर द पावर ऑफ पुलिस इज मोर पावरफुल अप्रिशिएट दैट द प्रोसीजर ऑफ मूविंग कोल्ड एंड गेट एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे आपको बेसिक दिया है कि सम अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 80 टू रिमूव द एनोमली। एनोमली मतलब कन्फ्यूजन जो वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लमेटिक एरर लाइक चीज़ें जो वहाँ पे है, वो क्या है पब्लिक प्लेस, और उसको हम लोग क्या करना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट द डिफेंस, पब्लिक प्लेस हटा के। देखो यहाँ पे अभी क्या बोला है, डिलीट द वर्ड पब्लिक फ्रॉम द सबसेक्शन, रिमूव एक्सप्लेनेशन, मतलब हर एक चीज़ अगर मैं कुछ करता हूँ तो आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा नहीं होता है, वो रिटर्न वे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको विद डिटेल टाइम, किसके साथ आपने बात किया उसका, उसके सारे डिटेल रिपोर्ट्स के साथ में आपको वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लाइक एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यूज द वर्ड एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब सेक्शन 80 के अंदर आज के टाइम पे एरर क्या पता है कि हम लोगों ने वहाँ पे सेक्शन 80 का जो डेफिनेशन लिखा है ना, वहाँ पे लिखा है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी ऑफेंस, अगर सेक्शन 80 अगर एक्टिवेट होता है तो आप वो पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, सेक्शन 80 कभी एक्टिवेट होगा अंडर द सिचुएशन व्हेन द क्राइम इज ऑफ अ कॉग्निजिबल क्राइम, बहुत सीरियस नेचर का जो क्राइम होता है उसी के अंदर। तो अगर आपने एनी ऑफेंस रखा है, मतलब पुलिस ऑफिसर बोलेगा कि मैंने अपने साइड से इन्वेस्टिगेट करके मैंने डिसाइड किया और एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दिस क्राइम कम्स अंडर सेक्शन 80, भले वो कॉग्निजिबल है या नहीं है। सो वो आप प्रूफ करोगे, कभी करोगे, लेकिन तब तक जिस जो जो सस्पेक्ट है उसको तो तकलीफ हुआ, उसको तो प्रॉब्लम हुआ, बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेक एंड बैलेंसेस अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट। आर्बिटरी अरेस्ट मतलब किसी को भी उठा के पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट कर रहे तो वो आर्बिटरी अरेस्ट हो गया, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका उसका जो मिसयूज है वो आप कैसे कर्टेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्सप्लेन द चेक्स एंड बैलेंसेस अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट। एज पर द डिबेट ऑफ सेक्शन 80, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टू चेक वेदर द चेक्स अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट आर रीजनेबल और नॉट। कि मैंने आपको बोला है कि चलो विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो ये जो पावर दी है ये रीजनेबल पावर है क्या। द सिक्योरिटी गिवन बाई लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कौन है, लेजिस्लेचर मतलब कौन होते हैं, लेजिस्लेचर मतलब जो हम लोग के लोअर हाउस अपर हाउस है, बराबर है। उन्होंने अपना जो एक रूल बनाया है उसमें उन्होंने ये पावर दिया हुआ है। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये आपके लेजिस्लेचर्स है सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स आएंगे लाइक विधानसभा एंड विधान परिषद। द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट इज गिवन इन हाई रैंक ऑफिसर्स, दैट इज नो रैंक बिलो DSP और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर DSP है उसके ऊपर के, मतलब IPS ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से कोई एक IS ऑफिसर अगर अपॉइंट हुआ है तो उसको भी ये पावर मिलेगा। तो हम लोग हाई रैंक ऑफिसर्स को ही ये पावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। द बेसिस ऑन विच यू आर अरेस्टिंग अ सस्पिशन शुड बी रीजनेबल। पावर ऑफ अरेस्ट इज गिवन टू हाई रैंक पुलिस ऑफिसर दैट आर नॉट बिलो DSP। इट इज़ आर्ग्यूड दैट दिस प्रोटेक्शन इज रूड एंड नॉट कमांडेबल इन नेचर। मतलब हर जगह पे हर कोई ऐसे केस पे आपके पास वहाँ पे DSP अवेलेबल ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, और जब तक वो अवेलेबल होगा तब तक वो क्रिमिनल वहाँ पे आपको मिलेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। सो ये क्या होगा, अननेसेसरीली आपका क्रिमिनल सामने है, आपका केस जो जल्दी से सॉल्व हो सकता है उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। बिकॉज एक ही DSP के पास अगर सपोज ऐसे 50-60 कॉग्निजेबल केस आ गए तो अब वो किसको किसको एक साथ मतलब ढूंढते फिरेगा, अरेस्ट करते फिरेगा, और ये सबका इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा, बराबर है। क्योंकि आपने कोई एक पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के बाद में उसके पास से आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो करो, और दूसरे दिन आपको इमीडिएटली उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप बताओगे कि मैंने ये पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, ये उसका FIR रजिस्टर जो है उसके अगेंस्ट ये है, और उसके बाद में अगर आपको उसका कस्टडी अगर एक्सटेंड करना है तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास से उसका कस्टडी का डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, इट इज ऑब्जर्व दैट द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो DSP वुड फेयरली यूज द पावर ऑफ अरेस्ट। मैंने क्या बोला, अगर एक
आईपीएस ऑफिसर है जो बहुत पढ़ लिख के अगर वहां पे आया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ओके ये इतने पढ़े लिखे ऑफिसर को ही अगर हम लोग पावर दे रहे हैं तो उसके पास ये पावर बहुत प्रॉपरली यूज होगा, ये हम लोग बता रहे हैं। लेकिन डीएसपी ऑफ इंस्पेक्टर फ्रॉम द सेम पुलिस फोर्स शेयर द सेम मॉरल्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चाहे वो डीएसपी हो या इंस्पेक्टर हो, ट्रेनिंग सबको सेम मिलता है। हम लोग जो एथिक्स सिखाते हैं वो सबको सेम सिखाते हैं, मॉरल्स जो सिखाते हैं सबको सेम सिखाते हैं। तो अभी आप अगर बोल रहे हो कि अगर डीएसपी जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब वो पावर को बराबर यूज़ कर पाएगा, और इंस्पेक्टर जो उससे कम रैंक पे है, थोड़ा सा कम उसका डिग्रीज है, तो वो ये पावर को मिसयूज़ करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि दोनों को सेम ट्रेनिंग मिला है, दोनों को सेम मॉरल सिखाया गया है। सो दैट मीन्स देर इज नो डिफरेंस वेन वी से कि इंस्पेक्टर जाए या डीएसपी जाए, गेटिंग। तो आप दोनों को ये पावर दो, ये यहाँ पे प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं। ग्रांट पावर ऑफ अरेस्ट टू हायरिंग ऑफिसर एनहांस द क्रेडिबिलिटी वेन कंपेयर टू एक्सरसाइज ऑफ द सेम पावर बाय सब इंस्पेक्टर और एनी अदर लो रैंक ऑफिसर, बट दिस प्रोटेक्शन इज नॉट इनफ, देर इज अ नीड फॉर मोर प्रोटेक्शन एज वेल। मतलब आपने ये प्रोटेक्शन दे दिया है, लेकिन जब डीएसपी लेवल का ऑफिसर अगर खुद से डिसाइड करता है कि ओके ये कॉग्निजेबल केस ना होते हुए भी इफ़ ही ट्राइज टू प्रूव दिस इज़ द कॉग्निजेबल केस और मेरे पर्सनल कोई डिस्प्यूट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं जाके वो पर्सन को अरेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर को ही अगर आप ये पावर दे रहे हो तो वो हमेशा करेक्ट डिसीजन ही लेगा, बराबर है ना। देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे वो ऑफिसर्स के ऊपर भी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं ब्राइब के या ऐसे रॉन्ग अपने पावर को मिसयूज करने के, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्रिमिनलिटी आर टेक्नोलॉजी। विद द एडवांस टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर हाई रैंक ऑफिसर टू कीप हिमसेल्फ अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। तो एक आईपीएस ऑफिसर भी है चलो, और उसका अभी एज हो गया, अगर 50 ईयर्स अगर उसने क्रॉस कर लिया, 55 तक पहुंच गया या 50 के ऊपर है, तो आप देखो कि उसका एज हो गया है अभी अभी, वो भी हम लोगों के पेरेंट्स के लेवल पे है, तो उसके पास भी ये इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भी वापस नए कुछ टेक्नोलॉजी सीख सके, नया कुछ ट्रेनिंग अगर उसको देते भी है तो वो इजीली वो सारी चीज़ों को समझ के याद रख सके। तो आपके पास एक ओनली जो एक रास्ता, जो बेस्ट रास्ता अब तक हम लोगों ने सोचा वो क्या है कि फ्रेशली पास आउट जो ग्रेजुएट्स हैं जो इंडस्ट्री में जाते हैं और इंडस्ट्री जब उनको ट्रेन करते हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ 90% जो ट्रेनी है वो क्विकली अपना काम सीख के अपना आउटपुट प्रॉपर परफेक्ट आउटपुट देते हैं। सो वो सेम चीज़ आप गवर्नमेंट में आईटी सेल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे वही दिया, द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द ट्रेडिशनल क्राइम इज नॉट सफिशियंट। मतलब हम लोगों ने एक पुलिस स्टेशन खड़ा कर दिया, अब वैसा ही पुलिस स्टेशन आपने आईटी सेल्स के लिए भी खड़ा किया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आईटी क्राइम्स अलग है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अलग है। तो जब अगर आप कोई ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या ऐसे क्रिमिनल को ट्रैक करने की ट्राई कर रहे हैं, तो जो बेस्ट अवेलेबल मार्केट में कंप्यूटर्स है, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स है, किसी का कॉल ट्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स है, या फिर कोई अगर अपना आईपी बाउंस कर रहा है तो भी उसमें पेनिट्रेट करके उसका ओरिजिनल लोकेशन कौन सा है, अगर वो वीपीएन सर्वर यूज़ कर रहा है तो वो वीपीएन सर्वर एक्चुअली कहाँ से बिलोंग कर रहा है, और उसमें से भी हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। ये सारे चीज़ें ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स सॉफ्टवेयर आपको वो ऑफिसर्स या वो डिपार्टमेंट या वो पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप बोलते हो कि ये नॉर्मल लैपटॉप है भाई, ये लो ये कंप्यूटर है साइबर केसेस हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एमएस ऑफिस मिल रहा है, बाकी का जो नॉर्मल कंप्यूटर पे मिल रहा है वही चीज़ें मिल रहा है। सो कैन यू रियली थिंक कि जो नॉर्मल लैपटॉप्स है जिसपे कोई भी पुलिस के पास जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वैसे नहीं है कॉल ट्रेस करने के लिए, या फिर किसी का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी का अकाउंट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, तो आप केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, ठीक है। सो उसके आगे क्या बोला है, कपल ऑफ हायरिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स विद द टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल टू मेक इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव अंडर आईटी एक्ट एंड टू प्रिवेंट आर्बिटरी अरेस्ट ऑफ इनोसेंस। सो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ओके जो अपने डीएसपी है उसके ऊपर के ऑफिसर्स है उन्हीं को आप ये पावर दे रहे हो, उन्हीं के पास आईटी टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास एक्सपर्टीज है, तो हम लोगों ने बाकी जो छोटे मोटे ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए हुए आईटी सेल में उनका काम क्या है फिर, गेटिंग।
और अगर ये सब काम यही करेंगे तो इनके पास इतना टाइम है क्या? अगर एक ही ऑफिसर को अगर आप 50-100 केस दे दोगे तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा है, तो वो अपने टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो नॉलेज होने के बाद भी जो मशीन्स है वो कोई प्रूफ, कुछ एविडेंस, कोई लॉग फाइल्स एक लिमिट तक रखता है, और उसका जो टाइम कंप्लीट होने के पहले अगर आप जाके वो केसेस को अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको कोई एविडेंस मिलेंगे। अदरवाइज आपके पास नॉलेज होने के बाद भी अगर मशीन जो है आपकी, कंप्यूटर मशीन है, मोबाइल है, उसने वो लॉग अगर रिसाइकल कर दिया तो आपको कोई एविडेंस बाद में भी नहीं मिलना है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यू टू इट हैपन्स ड्यू टू इनविजिबिलिटी ऑफ साइबर क्रिमिनल समटाइम्स कोई इनोसेंट को आपने जाके पकड़ लिया, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर एक एक्सपर्टीज नहीं है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि एक्सपर्टीज आपके पास है कि नहीं, मैं बोलूँगा कि ओके जो जो क्राइम हुआ है, सपोज अगर हैकिंग जैसा कुछ एक क्राइम हुआ है तो वो टाइम पे वीपीएन सर्विस हुआ यूज किया गया था, और वो वीपीएन सर्विस पे जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस था वो ये कोई पर्सन का वाईफाई का है, हम लोग जाके वो पर्सन को पकड़ रहे। अब आप देखो कि ये भी हो सकता है ना कि मेरा वाईफाई अवेलेबल था, किसी ने उसका पासवर्ड क्रैक करके उसका एक वीपीएन सर्विस क्रिएट करके उसने यूज़ किया है, मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो बहुत बार यही प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, वीपीएन सर्विस अगर मेरा राउटर का अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसके बाद आप मेरे कंप्यूटर के, मेरे पास जो डिवाइसेस है उसके लॉग फाइल्स भी चेक करो ना कि वो वाईफाई या वो वीपीएन कनेक्शन ऑपरेट जो हुआ था वो मेरे कंप्यूटर से ही हुआ था क्या, उसके बाद अगर ये क्राइम हुआ है देन यू कैन अरेस्ट। और बहुत बार जो बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया ना, ऐसे लोग डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स के हाथ में आ जाते हैं, और ये इतने बड़े ऑफिसर्स होते हैं कि बाद में वो अपने हिसाब से बहुत सारे डिसीजंस खुद से ले लेते हैं, और बहुत सारे जो लोगों ने क्राइम किया भी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। बराबर है। सो आईटी प्रोफेशनल्स आर इफेक्टिव टू फाइंड आउट इनोसेंट पीपल एंड क्रिमिनल। बराबर है। अगर आपको प्रॉपरली ट्रेन किया गया है तो आपको एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट करने में पता चलेगा कि कोई एक पर्सन जिसके साथ आप जिसके जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो अभी, वो पर्सन के पास इतना आईटी नॉलेज है क्या कि वो ऐसे कोई क्राइम कर सके। अगर नहीं है मतलब उसका नेटवर्क, उसका लैपटॉप या उसका कंप्यूटर किसी दूसरे ने उसके नाम पे मिसयूज़ करके आपको कोई ना कोई डिविएट कर रहा है केस से, है ना, ये हम लोग बता सकते हैं। सो ये बेसिक दिया है, लॉ मेकर्स हैव टू ऑल्सो नॉट लिस्टेड अबाउट हाउ मेनी साइबर क्राइम्स आर देयर इन आईटी एक्ट, लाइक साइबर क्राइम लाइक ईमेल अब्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड्स आर विद इन द डोमेन ऑफ आईपीसी। देखो अभी सर्टन जो साइबर क्राइम है ना वो आईपीसी के अंदर है, मतलब आप अगर ईमेल पे किसी को धमकी देते हो, गाली देते हो, आपने वो कंगना रानौत और ऋतिक रोशन वाला केस देखा रहेगा जिसमें दोनों का ईमेल के ऊपर चैटिंग हो रहा था और वहां पे झगड़ा हुआ, तो वहां पे जो केस फाइल हुआ वो आईपीसी के बेस के ऊपर हुआ है, वो आईटी एक्ट के बेस के ऊपर नहीं हुआ है। तो अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड मतलब अगर क्रेडिट कार्ड मेरा डिमांड करके अगर कोई मेरे वो अकाउंट में से अगर कोई पैसा डिडक्ट कर रहा है और वहाँ पे चोरी हो रहा है, फिर मैं अगर केस फाइल कर रहा हूँ, तो बहुत बार यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड अगर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे तो वो केस आईपीसी का बन रहा है, आईटी एक्ट से उसका लेना देना ही नहीं है। सो इट मीन्स आईटी एक्ट बनाने का मतलब क्या है, जब बहुत सारे केसेस आपके आईटी एक्ट के अंदर है ही नहीं, और अगर आप डालेंगे तो भी कौन से बेसिस पे डालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको क्या बोला, देखो साइबर क्राइम विच आर नॉट कवर्ड बाय आईटी एक्ट शुड ऑल्सो बी गेट इन्वेस्टिगेटेड बाय हायरिंग ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ आईटी एक्सपर्ट्स। तो अगर वो आईटी एक्ट के अंदर आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुआ है और वो केस को आप बिना आईटी के इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, तो वो टाइम पे भी आपको आईटी एक्सपर्ट्स लगेंगे ही। आज के टाइम पे बहुत बार ये हो सकता है कि कोई एक मशीन, कोई एक फेसबुक अकाउंट, कोई एक इंस्टा ट्विटर अकाउंट यूज़ हुआ हो और रूमर्स फैलाने के लिए, कोई एक ट्विटर हैंडल, जैसा आप देखो कि बैंगलोर से हम लोगों ने एक पर्सन को पकड़ा जो आईसीस का ट्विटर हैंडल यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, एक नक्सलाइट इशू है कि वो लोगों को रेडिकल बना रहा है, बराबर है ना, अब वो टेररिस्ट है तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो लोग, लेकिन उसका ट्विटर हैंडल इंडिया से चल रहा था। तो अभी आपके इन्वेस्टिगेशन में अगर आईटी ऑफिसर नहीं रहेगा तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये आईटी हैंडल है जहाँ से कोई ट्वीट्स आ रहे हैं या जो पर्सन किसी को एनकरेज कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, और उसका एक्चुअल लोकेशन क्या है। और अगर आपको उसका लोकेशन फाइंड करना है तो ऑफिशियल जो ट्विटर की अथॉरिटी है उसके पास से वो डिटेल मांगना कैसे, ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस खोल के बैठे कि मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैं इंडिया के ये डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, ट्विटर के यूएस हेड ऑफिस में फ़ोन जाएगा और वो बोले कि हाँ सर बोलिए,
आप बोलोगे कि भाई आपका ये ट्विटर हैंडल है उसका डिटेल जल्दी मुझे सेंड करो, ऐसा थोड़ी होता है, उसका एक डिटेल प्रोसीजर होता है गेटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द साइबर क्राइम विच आर नॉट कवर्ड अंडर आईटी एक्ट एंड देन सूटेबल अमेंडमेंट्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे, जिससे जो साइबर क्राइम टाइप के क्राइम्स है लेकिन अभी भी आईटी एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उसको आप उसको आईटी एक्ट के ही एक अम्ब्रेला एक ही कवर के अंदर लेके आओ. नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि है तो ईमेल अब्यूज बराबर है, तो आप जाके केस जब फाइल करेंगे आईटी सेल में तो बोलेगा कि नहीं ये ईमेल अब्यूज जो है वो साइबर क्राइम तो है लेकिन इसके प्रोविजन इसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट या ये जो रूल के अंदर लिंक्ड है वो आईपीसी के अंदर है. तो अब आईपीसी के अंदर अगर ये लिंक्ड है तो आपको नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा. नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है वो आईटी केसेस के लिए पहले जाके अगर मैं उसको समझाऊंगा कि क्राइम क्या हुआ है तो उसको समझने में ही आधा दिन चले जाएगा. और जब अगर मैं उसको समझा कि ये अगर मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ कि ये क्राइम है तो जब कन्विंस होगा और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा तब तक जमाना निकल गया रहेगा. ये प्रॉब्लम है, आई होप समझ में आ रहा है आपको. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स या क्या बोल रहे हो आप, विकास दुबे वाला केस हाँ वो भी है, देन सिम्बा मूवी एनकाउंटर वाला या वो भी प्रॉपर है कि मूवी में जो और रियल में जो होता है वो बहुत अलग होता है. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप आईटी एक्ट के सारे जो कोई प्रॉब्लम्स है उसको अगर एक ही आईटी एक्ट के अंदर नहीं ला रहे हो ना तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने वाले आप नॉर्मल हम लोग पुलिस स्टेशन में बहुत बार गए, आपने एक दो कॉन्स्टेबल से बहुत बार बात किया रहेगा, आप अगर वो कॉन्स्टेबल से बात करते हो तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि वो अपने मोबाइल में कुछ चीज़ें जो है ना वो भी प्रॉपरली समझ नहीं पाते, कोई ऐप है या कुछ है अपने लैपटॉप में कुछ है तो वो क्या करते हैं, देन वो सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई अपने बच्चों से या पुलिस स्टेशन में कोई दूसरे ऑफिसर्स रहेंगे जिनको आता है उनके पास से हेल्प लेते हैं उसका गेटिंग. सो अगर उनके पास से आप हेल्प अगर ले रहे हो मतलब आपको वही नॉलेज नहीं है. और आईपीसी के प्रोविजन के हिसाब से मुझे नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके केस लिखाना है, अब आपको अपना मोबाइल प्रॉपरली यूज़ करने नहीं आता है, अपना लैपटॉप में सारे क्या चीज़ें हैं वो आपको टेक्निकली पता नहीं है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और मैं आपको आईटी के कुछ क्रिमिनलिटी जो है आईटी के कुछ एक्सपर्टीज जो है वो मैं आपको बता के केस फाइल करने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम एक्चुअली हुआ क्या है बराबर है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ईमेल अब्यूज़ हो रहा है मेरे पे और जो पर्सन है वो प्रॉक्सी यूज़ करके आईपी बाउंस कर रहा है और वहाँ से वो मेरे पे ईमेल पे ईमेल मुझे भेज रहा है धमकी वाले बराबर है, अब मैं ये बता रहा हूँ तो पुलिस ऑफिसर को क्या समझ में आएगा कि आईपी बाउंसिंग होता कैसे है, प्रॉक्सी क्या है जबकि उसका आईटी से लेना देना नहीं है. सो अगर उसको ये पूरा डिटेलिंग समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको जो रिपोर्ट बनाना है उसमें लिखना क्या है, और अगर वो लिख भी देगा तो ये उसको समझने में प्रॉब्लम होगा कि जो मैं ये केसेस बोल रहा हूँ ये कॉग्निजिबल में आएंगे या नॉन कॉग्निजिबल में आएंगे. तो जब तक वो समझेगा लिखेगा और कोई एक्शन लेगा तब तक में तो जो क्रिमिनल है उसको पता चल जाएगा, उसको जो करना है वो करके निकल भी जाएगा. सो ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए. नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पुलिस शुड रिक्रूट आई टी ऑफिसर इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स. जो मैंने आपको बोला एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स सालों से ड्यूटी पे, अब वो उनका ट्रेनिंग अलग है, उनका जो लर्निंग पीरियड था वो चले गया और एक एज के बाद नए चीज़ें सीखना समझना याद रखना ईजी नहीं होता. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अनदर अटैक डन बाई क्रिटिक्स अगेंस्ट सेक्शन 80 इज अगेंस्ट द वर्ड रीजनेबली सस्पेक्टेड. मतलब वो बंदे ने क्राइम किया है नहीं किया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ऑफिसर है उसको लगा कि जितने एविडेंस मेरे पास है जितने प्रूफ मेरे पास है और जो पर्सन ने FIR लिखा है उसके साथ बात करके मुझे लगा कि हाँ ये सस्पेक्ट है और इसके लिए मैंने अरेस्ट किया. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, हर एक ऑफिसर का अपना समझने का देन डिसाइड करने का हर एक का जो कैपेबिलिटी है कैपेसिटी वो अलग होगा. कोई दो सेम लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे तो भी उनका वे थिंकिंग हर एक चीज़ अलग रहेगा, किसी दो का सेम नहीं रहेगा. मतलब हर कोई अपने वे में डिसाइड करके अरेस्ट कर सकता है किसी को,
और उसके जगह पे कोई दूसरा ऑफिसर रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये सस्पेक्ट है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, या उसको नॉन कॉग्निजिबल केस में कन्वर्ट करके मैं एक रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, द क्रिटिक थिंग्स दैट इट इज लूज सब्जेक्टिव एंड हेंस इट एक्सपोज फॉर मिसयूज। तो अगर मैं कोई पुलिस ऑफिसर को बोलूंगा कि भाई आप ये लो अंडर द टेबल में आपको कुछ दे रहा हूँ, आप इसको कॉग्निजिबल केस बना के वो बंदे को पकड़ लो, तो वो पकड़ लेगा, क्यों? बिकॉज आपको वो ऑफिसर को यहाँ पे पावर दिया है कि आपको अगर लगता है अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से कि हाँ ये क्रिमिनल है तो अरेस्ट करो उसको। तो ये क्रिटिक्स है, ये क्रिटिक्स मतलब उन्होंने बोला है कि दिस आर द फॉल्स और दिस आर द एनोमलीज इन सेक्शन 80। तो इसके आगे देखो क्या बोला है, दैट मे पॉसिबल दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे मिस यूज दिस वर्ड्स बट अंडर द कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट कैन बी इनिशिएटेड ओनली ओनली फ्रॉम देर इज सम क्रेडिबल, ये फ्रेंड नहीं है, ओनली फ्रॉम ओनली वेन देर इज सम क्रेडिबल बेसिस और मटेरियल, मतलब आपके पास एग्जैक्टली कोई प्रूफ एविडेंस या ऐसा कुछ रहेगा तो ही आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द जुडिशरी मस्ट फोर्स द कंसेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर रीजनेबल सस्पेंशन ऑफ अरेस्ट। सो जुडिशरी के पास भी सम पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, आपने BSCIT पास करके अगर 5-6 साल हो गए और उसके बाद में अगर कोई न्यू सब्जेक्ट, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अगर IT में आता है, आपका जो प्रोफाइल अलग है तो आपको भी वो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगा IT से होते हुए भी, तो कोई नॉर्मल पर्सन के लिए वो समझना तो डिफिकल्टी है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो है दे आर नॉट बी एबल टू एंटरटेन रीजनेबल सस्पिशंस ऑन इट, इज एडवाइज टू टेक IT एक्सपर्ट्स हेल्प। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो हम लोग के IT सेल्स में एक्सपर्ट्स रहेंगे उनका हेल्प लो और उनके हेल्प के थ्रू आप वो केस को इन्वेस्टिगेट करो और वो उनसे डिटेल में समझने के बाद आप जाके किसी को अरेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अरेस्ट फॉर अबाउट टू कमिट ऑफेंस। अब देखो अबाउट टू कमिट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब क्राइम किया नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, अ ट्रिब्यूट टू ड्रैकोन, मतलब कुछ वर्ड्स देखो आपको यहाँ पे जो लिखे है ना वो क्या है, ये बोल क्या रहे पता है, कि जो ब्रिटिशर्स जो थे ना इंडिया में, उनके पास ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो उनके ऑफिसर्स बैठ के बहुत अच्छे से मिसयूज करते थे। वो खुद भी क्राइम करेंगे या कोई दूसरे पर्सन ने अगर क्राइम किया है, वो पैसे वाला है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई दूसरा जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो अगर केस लिखा रहा है, तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक पहले जो हिंदी मूवी में आता था कि मेरे पास पैसा है तो पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट नहीं करेगा और वो केस जो है वो भी मैं घुमा सकता हूँ, और मेरा किसी के साथ दुश्मनी है तो मैं जाके ऑफिसर को ब्राइब करूँगा, वो किसी के ऊपर कोई रॉन्ग केस डाल के डायरेक्टली उसको अरेस्ट भी कर सकता है। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अबाउट टू कमिट मतलब क्राइम किया नहीं है, करने वाला है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 80 के अंदर कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर कोई रहेगा ना तो मैं वो पर्सन को जाके अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हैकिंग इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, हैकिंग इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। आप कोई एक एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोर्स में आप क्या कर रहे हो, आप जाके चेक कर रहे हो कि ठीक है कि आप अपने कॉलेज का वेबसाइट या कुछ हैक कर सकते हो या नहीं, या आपने चेक भी नहीं किया। चलो एक ऑफिसर आता है आपको अरेस्ट करके लेके जाता है बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि आपका वो ऑफिसर के साथ में सपोज दुश्मनी है, फुल मूवी वाला हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग हीरो, ठीक है, आपने कुछ अच्छी बात की, एक आ, आ, एक पुलिस ऑफिसर है विलन टाइप है, उसने कोई लड़की को छेड़ा, आपने बचाया वो लड़की को, एकदम आप हीरो बन गए, आपका हीरोइन का लव स्टोरी चल रहा है, और उसमें फिर अभी एग्ज़ाम टाइम आता है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया है, फाइनल एग्ज़ाम पास हो गए तो ये होगा वो होगा, एकदम अच्छा मूवी चल रहा है, इमेजिन योर सेल्फ एज हीरो। अब यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर आता है जिसके पास सेक्शन 80 के पावर है और वो आके अभी आपको बोल रहा है कि भाई आपने हैकिंग करने का तैयारी करके रखा है, जो आप हैकिंग करने वाले हो अपने कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर, ड्यूरिंग विच यू आर गोइंग टू गेट दी एग्ज़ाम पेपर, जो आप पेपर लेके आप वो एग्ज़ाम देने वाले थे,
मतलब आपने यहाँ पे तैयारी करके रखा था, कॉलेज एग्जाम कॉलेज का वेबसाइट हैक करके जो एग्जाम पेपर्स है उसको लीक करने का, और उसके बेस के ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का, और वो पेपर बेच के अच्छा सा प्रॉफिट कमाने का। अब ये वो कौन से बेसिस पे बोल रहा है? सीखा, कोई कोर्सेस देखे आपने, कोई वेबसाइट्स ब्राउज किए, और आपने एक दो वेबसाइट्स के ऊपर, डमी वेबसाइट्स या ओरिजिनल कोई वेबसाइट्स के ऊपर अपने स्किल्स ट्राई किए। अब उसने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पकड़ा और बोला अबाउट टू कमिट ये क्राइम था, जिसमें उसने दो क्राइम्स डाल दिए। क्या एक क्राइम क्या डाला? कि आप सबसे पहले तो हैकिंग का कोर्स देख रहे हो, बहुत टाइम से आप हैकिंग के अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे आपके कंप्यूटर में भर भर के, उसके लिए बहुत सारे टूल्स है, आपने एक पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, और ये आपने एग्जाम के पहले इसके लिए किया क्योंकि आप कॉलेज वेबसाइट से एग्जाम का पेपर लीक करके उसको बेच के अच्छा सा प्रॉफिट कमाने वाले थे, और वही पेपर यूज़ करके आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर करने वाले थे सो दैट आपको एक अच्छा सा जॉब मिले, जो भी है वो। अब ये एक अच्छा सा मूवी का स्टोरी हो गया है ना, मूवी में देखने सुनने में अच्छा लगेगा कि मूवी में वो हीरो जेल तोड़ के बाहर आएगा, वो पुलिस वाले को मारेगा, फिर अलग से वो हीरोइन और वो दोनों भागेंगे, एक दो गाना गाएंगे, अलग कहीं पे रहेंगे, फिर कोई तो दूसरा हेल्प करेगा, और फिर वो हेल्प के थ्रू वो लोग बाद में मूवी में जैसा हीरो प्रूव करता है, ये मूवी में होता है, बराबर है? रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होगा। मतलब अबाउट टू कमिट क्राइम में अगर आपको कॉग्निजिबल ऑफेंस डिक्लेयर करके अगर पकड़ लिया, बिकॉज अबाउट टू कमिट में कॉग्निजिबल ऑफेंस में ही पकड़ सकते हो, नॉन कॉग्निजिबल केस में पकड़ नहीं सकते हो बिना वारंट के। मतलब मैंने बोला कि आपने ये तैयारी किया, वो तैयारी करना भी क्राइम है, और वो तैयारी करने के लिए मैंने आपको पकड़ा है, आपने क्राइम किया ही नहीं है, आपने कॉलेज का वेबसाइट हैक किया ही नहीं है, एग्जाम का पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन आप करने वाले थे इसके लिए मैंने आपको पकड़ा। तो अभी आपको ये प्रूव नहीं करना है कि आपने वो क्राइम किया, आपको ये प्रूव करना है कि मैं वो करने ही नहीं वाला था। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, और वही हम लोग यहाँ पे समझने की ट्राई कर रहे हैं। सो जो मैंने आपको बताया, ऐसा अगर केस है, ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव? लेट्स अनम्यूट योर सेल्फ, थोड़ा इंटरेक्शन करता है, बताओ, सोना नहीं है, और चैट में मत आंसर करो, अनम्यूट करके बोलो, सो मैं डायरेक्ट सुन के आपको बोल सकूं। आप चैट में कुछ लिखते हैं ना, तो मैं जब पीडीएफ स्क्रीन पे रहता हूँ तो मुझे चैटिंग में क्या मैसेज आते हैं वो दिखते नहीं है। बताओ, चलो जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ, डिस्कस करते हैं। अगर आपके साथ, आप हीरो हो पिक्चर के, बराबर है, आपको अरेस्ट किया गया, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव कि आपको क्राइम करने ही नहीं वाले थे? एनीवन? चलो, पूरा क्लास सो गया क्या? चैट में आंसर मत करो, अनम्यूट करके बोलो, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस सिचुएशन, बताओ जल्दी। वी हैव 61 स्टूडेंट्स, तो हम लोग के पास हीरो हीरोइन, चलो कौन बताएगा? हाँ सिद्धार्थ, टेल मी। सर, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कि इंफॉर्मेशन के ऊपर या लर्निंग के ऊपर तो सबके राइट्स होते हैं, तो फिर और आज के टाइम में एथिकल हैकिंग तो बहुत डिमांड में है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है, तो फिर कोई भी उसको सीख सकता है, ओके, तो इट्स नॉट एन ऑफेंस। हाँ, बट पुलिस ऑफिसर ने क्या प्रूव किया है कि आपने ये चीज एग्जाम के पहले ही सीखा है, और वो इसके लिए सीखा है कि आप एग्जाम का पेपर लीक करने वाले थे, ये केस है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सीख लिया आपने, ठीक है, एग्जाम के पहले ही क्यों सीखा? क्योंकि सर एग्जाम के बाद तो जॉब करनी होती है, एंड एग्जाम तो एग्जाम के पहले स्किल्स आने चाहिए। अगर एग्जाम के बाद हम स्किल्स सीखेंगे तो फिर बहुत यू नो डिमांड, मतलब बहुत लेट हो जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रहेगा जहाँ पे घर से बहुत प्रेशर होता है कि मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करनी होती है। एंड हैकिंग जैसी कोर्स यूं ही नहीं सीखी जा सकती, 6 महीने 1 साल में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके ठीक है, चलो वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल, एनी वन एल्स? लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पे ये भी पॉइंट आ सकता है ना कि आपके पास FI से TY तक का 3 साल का टाइम था, गेटिंग दोनों साइड से, यस हाँ, सो उसके लिए आप क्या बोलोगे? मैं समझा नहीं सर, FI से TY तक का टाइम था। केस बेसिकली फाइल क्या हुआ है, जो ऑफिसर ने अरेस्ट किया उसने क्या बोला है, एग्जाम के पहले एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है, मतलब 1 साल का कोर्स नहीं किया है, एग्जाम के पहले ही आपने ये सब सीखा है 2-3 महीने में, ओके,
ऐसा ये केस है। तो आपके पास पूरा सेमेस्टर पूरा साल भी था ना, तो एग्जाम के पहले ही आपने सीखा है, इसके लिए तो अरेस्ट किया है ना। ये उसके पास प्रॉपर रीजन है। अबाउट टू कमिट में उसने क्या बोला कि एग्जाम के पहले आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स सीखा है, आपने रियल कोई एक दो वेबसाइट्स के ऊपर ट्राई भी किया है इसको। ये उसके पास सपोज वो ये बता रहा है, उसके पास एविडेंस है कि नहीं हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उसने बोला कि लाइव एक दो वेबसाइट्स के ऊपर आपने ट्राई किया अपने स्किल्स, और ये आपने इसके लिए सीखा है क्योंकि उसके पास किसी ने तो आके ये उसको कंफर्म डिटेल दिया है, कंफर्म उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप ये स्किल्स सीख के कॉलेज का वेबसाइट हैक करके उसके ऊपर से पेपर लीक करने वाले हो। सो हैकिंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दैट्स वाई सेक्शन 80 के पावर के बेस के ऊपर वो आपको पब्लिक प्लेस से अरेस्ट कर सकता है। यस चलो। ओके सर, हाँ तो क्या बोलेंगे आप, हीरो बताओ, हम लोग के पास 61 हीरो है। चलो जल्दी। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल बताओ। सर, मतलब अभी किया नहीं है ना अभी तक कुछ। हाँ 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 तो केस लड़ेंगे। हाँ केस तो लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप जेल में तो चले गए हो, हाँ तो सर वो बेल एक मिल अरेस्ट जाएगा हुआ ना। है। कॉग्निजिबल केस है भाई, कॉग्निजिबल केस, नॉन बेलेबल है। तो जब तक नहीं आता बेल पे बाहर नहीं आ सकते, याद रखो। कॉग्निजिबल मतलब नॉन बेलेबल होता है, बेल पे बाहर किस पे आ सकते हैं, नॉन कॉग्निजिबल केस में। तो मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट होने का मतलब ये है कि जो ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है उसको मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की जरूरत ही नहीं है, वो बिना वो अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर रहा है, और उसके बाद में वो मैजिस्ट्रेट के पास आपको दूसरे दिन लेके जाएगा और वहां पे आपका कस्टडी, एक्स्ट्रा कस्टडी का वो डिमांड करेगा। बताओ चलो जल्दी। आप में से कितने लोगों को मैंने अभी तक जो भी स्टोरी सिखाया, स्टोरी सुनाया, उसमें समझ में आया? तो ये आपके पास मूवी का स्टोरी है, अच्छा सा मूवी का स्टोरी है। आपने वो अलग अलग बहुत सारे सीरीज भी देखे रहेंगे ना इन्वेस्टिगेशन वाले, तो समझ लो कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। कैसे आप आंसर कैसे करेंगे, और बॉलीवुड मूवी जैसा कोई सिनारियो नहीं रहेगा, जेल तोड़ के बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या बताओ जल्दी से बताओ। क्योंकि कॉलेज पेपर वेबसाइट्स पे डालता ही नहीं है। ओके लेकिन अभी अगर ऑनलाइन कॉलेज चल चल जब से चल रहा है हम लोगों का, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं ना, तो ये पॉइंट अभी के लिए तो वैलिड नहीं है ना आज के सिचुएशन में। हाँ बट एग्जाम पेपर्स कहाँ वेबसाइट्स पे डालते हैं, वो तो गूगल फॉर्म आते हैं ना। हाँ तो गूगल फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं वेबसाइट के थ्रू ही आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट आते सर। ओके ठीक है चलो। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और वहाँ पे आपका पेपर्स जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पे ही आ रहा है, इसके लिए तो वो अरेस्ट हुआ है ना, यही तो मैंने केस बताया आपको। सो कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स बताओ जिस पे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है चलो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तक का टाइम देता हूँ, कल परसों ये हफ्ते नेक्स्ट वीक जब भी हम लोग का लेक्चर होगा तब तक मैं आराम से इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ के लाओ कि अगर ऐसा अरेस्ट हुआ है, आप गूगल कर सकते हो, जहाँ कहीं से ढूंढ के लाओ कि अगर ऐसा अरेस्ट हुआ है तो वो टाइम पे हम लोग अपने डिफेंस में, या आपके फ्रेंड को अगर अरेस्ट किया है तो उसके डिफेंस में आप क्या पॉइंट्स रखेंगे। कॉन्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब लॉ टर्म में उसका वजन होना चाहिए। ये पॉइंट्स हम लोग के नहीं चलेंगे कि एग्ज़ाम का पेपर ऑनलाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये टॉपिक ही आपका ये है, तो वो टाइम पे कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स बताओ मुझे। ठीक है हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, मैं ये बता सकता हूँ कि वो टाइम पे मुझे एग्जाम के पहले कोर्स किया, क्योंकि मुझे फर्म फीस में वो कोर्स मिल रहा था और मुझे वो ग्रैब करना पड़ा वही टाइम पे। ओके वेरी गुड पॉइंट। चलो एक पॉइंट यहाँ पे ये बहुत वैलिड आपने बताया कि मैं ये बता सकता हूँ कि वो टाइम पे मुझे वो कोर्स मिला, उसके पहले मेरे पास ऐसा कोई कोर्स का लिंक अवेलेबल नहीं था, या उसके पहले मेरे पास वहाँ पे ऐसे कोई डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे थे। ओके वेरी वैलिड पॉइंट।
एनी अदर पॉइंट? ठीक है चलो, आप ऐसे चार पांच पॉइंट अच्छे से निकाल के लाना जिसको हम लोग बता सके कि हाँ दिस आर द फ्यू वैलिड पॉइंट्स, दिस इज वन वेरी गुड शुभम, गुड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अभी देखो क्या बोला है, अबाउट टू कमिट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो अबाउट टू कमिट है, मतलब मैंने क्राइम किया ही नहीं है और आप ये बोल रहे हो कि मैं करने वाला था। अब लॉ टर्म में ये चीज को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज कॉलेज में या कहीं पे हम लोगों का किसी के साथ झगड़ा हो गया है ना, बहुत बार होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं और स्पेशली जब अगर हम लोग क्रिकेट या ऐसा कुछ खेलते हैं तो बहुत बार होते रहता है, अपोजिट कोई कॉलेज का टीम है, उसने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, वो कुछ हुआ। अब ऐसा कुछ सिनारियो क्रिएट हो गया। अब मैंने मार्केट से जाके हॉकी खरीदा है, ठीक है। अब हॉकी खरीदने के टाइम में मैंने देखा कि हाँ अच्छा खासा मजबूत हॉकी है, या लेट सपोज बैट खरीद, ठीक है, मैंने बैट लिया। अब मैंने उसको प्रॉपरली चेक कर लिया कि अच्छा खासा वो एक बहुत अच्छा सा कोई बैट है, एक सेकेंड साइली अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैंने किसी को बाय डिफॉल्ट म्यूट नहीं किया है, सारे स्टूडेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। शायद साइली आप एक बार रीजॉइन करके देखो तभी प्रॉपर हो जाए। सो यहाँ पे आपने क्या बोला है, विटनेस रेडी कर सकते हैं जो हमें सपोर्ट करे, ओके ठीक है, लेकिन विटनेस को भी आप कैसे रेडी करेंगे, वो आके बोलेगा क्या, वो ही तो आपको बताना है यहाँ पे, आप विटनेस लेके आओगे लेकिन आप वो आके बोलेगा क्या। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। सो ये मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा था कि सपोज हम लोगों का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, अब मैंने जाके अच्छा सा एक बैट खरीदा है मार्केट से, ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो और आपको मुझे बताना है उसका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। अब मैंने बैट खरीदा है, मैं क्रिकेट ग्राउंड में गया गुस्से से, जाते 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 मुझे याद आया कि भाई मैं उसके सर में बैट मारूंगा, फोड़ दूंगा आज, तो ख़त्म ही करता हूँ आज, ठीक है, बहुत चिढ़ाता है, बहुत हो गया मगजमारी, आज तो सेटल ही करना है, बैट डाल ही देना है सर में। उसके बाद मुझे याद आता है कि भाई मेरा TY में इंटरव्यू हो गया है, अच्छे कंपनी में मेरा जॉब लग गया है, एक पुलिस केस हो गया तो मेरा जॉब चले जाएगा, घर वाले घर से निकाल देंगे वो अलग है ना, मेरे डैड तो जायदाद से ही निकाल देंगे मेरे को। सो मतलब एक सर फोड़ने के चक्कर में जॉब भी जाएगा, घर भी जाएगा, जायदाद भी जाएगा। सो ये लॉजिकल नहीं लगता है, राइट। तो ये सोच के क्रिकेट ग्राउंड में जाते 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 लास्ट मोमेंट पे जो है मैं अपना डिसीजन बदल देता हूँ कि छोड़ो भाई क्रिकेट खेल के इज्जत में आ जाते हैं, नहीं फोड़ना है सर। सो क्या हो गया, जब मैंने बैट खरीदा था वो टाइम पे मेरी मेंसरिया, हम लोग मेंसरिया बोलते हैं इसको, तो जब मैंने बैट खरीदा वो टाइम पे मेरी मेंसरिया जो थी वो क्या थी कि जाके इसका सर फोड़ना है। लेकिन जब मैं फाइनली वहां तक पहुंचा, वो टाइम तक जाते जाते मेरे में गट्स नहीं रहे उतने, तो मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और जाके क्रिकेट खेल के वापस आ गया। तो मतलब बैट खरीदना इज नॉट अ क्राइम। यहाँ पे मैं बैट लेके ग्राउंड में गया था, बराबर है, लेकिन यहाँ पे जब तक मैं उसका सर नहीं फोड़ता हूँ तब तक वन कैन नॉट प्रूव कि वो बैट मैंने किसी का सर में डालने के लिए लिया था। गेटिंग? ये एक केस हो गया। तो अबाउट टू कमिट में यहाँ पे मैंने जो बैट खरीदा है उसमें कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने किसी को मारने के लिए ये बैट खरीदा था। सेकेंड केस समझते चलो, मेरे पास एक गन है, लाइसेंस है वो गन का मेरे पास, ठीक है। अब ये गन मैंने निकाला, सामने वाले को सिर्फ बताया और वापस पॉकेट में रख दिया। ध्यान से सुनो, मैंने गन निकाला, सामने वाले को बताया, वापस पॉकेट में रख दिया, और सामने वाला हार्ट पेशेंट था, क्या होगा इसमें, बता के वापस रख दिया सिर्फ। आपने बहुत बार वो मूवीज में और उसमें देखा रहेगा कि अगर जो पैंट में कहीं पे हम लोगों ने गन्स अंदर जो रखे रहते हैं
तो हम लोग खाली वो जैकेट या ऐसा दूर करके, हाँ जैकेट या ऐसा दूर करके हम लोग सिर्फ वो गन बताते और फिर रख दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। सो वो टाइम पे यहाँ पे अबाउट टू कमिट ये आएगा क्या यहाँ पे? क्योंकि जो बंदे को मैं गन बता रहा हूँ वो हार्ट पेशेंट है, और गलती से अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो मेरे ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो पक्का लगना है, और अगर वो मर गया तो सिर्फ गन बता के मैंने मर्डर कर दिया। अब गन लेके मैं एक लोकेशन पे हूँ, वो लाइसेंस गन है मेरे पास, और मैंने किसी को गन बताया। अब यहाँ पे मैं दोनों वे में प्रूव कर सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं सामने वाले को बोल रहा था कि ये देखो ये मेरे पास गन है सिक्योरिटी के लिए और इसका लाइसेंस है मेरे पास, या दूसरे वे में कोई ये भी प्रूव कर सकता है कि ये पर्सन गन लेके आया था और उसने मुझे मारने का ट्राई किया अबाउट टू कमिट। तो लाइसेंस गन रखना इज इट अ क्राइम? नहीं। किसी को गन बताना इज इट अ क्राइम गाइस? गाइस हेलो, गन बताना क्राइम है? नहीं है क्राइम। ओके अब देखो हम लोग लॉ टर्म में बोल रहे हैं, अगर मैं गन प्यार से ऐसे हाथ में हथेली में ऐसे खुला रख के बता रहा हूँ ना तो क्राइम नहीं है। अगर वही गन मैं अगर आपके पास लेके आ रहा हूँ और गन पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि ये देख ये लाइसेंस गन है मेरे पास, ठीक है, दो वे में, एक में प्यार से ऐसे हथेली में निकाल के बोलूंगा कि ओके दिस इज माई गन फॉर माई सिक्योरिटी, और दूसरा मैंने वो गन निकाला गन पॉइंट पे आपको रखा है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये देख ये मेरे पास गन है और इसका लाइसेंस है मेरे पास। सो ये दोनों में मैं गन ही बता रहा हूँ, लेकिन दोनों में गन बताने का जो मेरा तरीका है ना वो अलग है। आप देखो मैं लॉ टर्म यूज कर रहा हूँ, मैंने गन बताया है, लेकिन प्रूफ करने के लिए आई कैन प्रूफ कि मैंने उसको हथेली में गन बताया, और दूसरे में वन कैन प्रूफ कि डायरेक्ट गन पॉइंट पे गन बताया। हाँ सो फर्स्ट वन इज नॉट अ क्राइम। सो आपको ये डिटेल में जब हम लोग लॉ या केस सब सुनते हैं तो आपको ये देखना है कि मैंने गन बताया, तो आप बोलोगे कि दो वे में गन बता सकते हैं, आइदर दिस वे और दिस वे। अगर फर्स्ट वे में अगर बताया देन दैट्स नॉट अ क्राइम, एंड सेकेंड वे में अगर बताया देन दैट इज अ क्राइम, दैट इज अबाउट टू कमिट, मतलब किसी को गन बताना दैट इज अबाउट टू कमिट क्राइम आ गया वो, कि अगर थोड़ा टाइम अगर लेट होता था तो मैं गोली मार ही देता था, तो वो टाइम पे यू कैन अरेस्ट समवन। सेकेंड थिंग, अब आप देखो कि वो देसी कट्टे मिलते हैं आपको, आपको मुंबई में यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं देखने मिलता है, यहाँ पे वो ऐसा एक रेगुलर चीज़ भी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर यूपी बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको घर घर में कट्टे मिलेंगे, बंदूक मिलेंगे, मतलब छोटे बच्चे के साथ भी अगर आपका झगड़ा हुआ तो वो घर में जाके वो लाठी डंडा नहीं लाता है, डायरेक्ट बंदूक लाता है। हाँ सो मिर्जापुर, या परफेक्ट एग्जाम्पल। सो अब अगर ऐसा कुछ अगर हम लोगों ने रखा हुआ है हम लोगों के पास, सो वो टाइम पे ये गन या देसी कट्टा रखना दैट इज ऑल्सो क्राइम, बिकॉज देसी कट्टे का कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अबाउट टू क्राइम केस में, अबाउट टू कमिट वाले सिचुएशन में हम लोग किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं, या किसी को डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट कॉग्निजिबल केस में उठा के जेल में भी डालते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन। आप देखो कि यूपी बिहार में जो पुलिस ऑफिसर है ना उनका ज़्यादा रिस्पेक्ट इसी के लिए चलता है कि अगर आपका उसके साथ कुछ पंगा हुआ तो कोई ना कोई केस में वो उठा के आपको डाल ही देगा। सो उसने क्या बोला कि भाई इसके घर में देसी कट्टा मिला, ये कि इसका मर्डर करने वाला था, इसके लिए वो मर्डर करने के पहले अबाउट टू कमिट क्राइम में मैंने डाल दिया इसको अंदर। क्यों? बिकॉज सबसे पहले तो देसी कट्टा या लाइसेंस बिगर का गन था उसके पास, तो लाइसेंस बिगर का गन रखना मतलब आपके ऊपर अभी वो टेररिस्ट केस भी डाल सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो अबाउट टू कमिट केस में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो वही बोल रहा है, सेक्शन 80 IT Act, अ सिटीजन कैन बी पीनलाइज्ड ऑन अबाउट टू कमिट एनी ऑफेंस। अब जैसे हम लोग के पास ऑक्सफर्ड डिक्शनरी होता है ना, वैसा एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, और जिसमें क्या बोला है? हर एक जो वर्ड है ना उसका यहाँ पे मतलब बताया हुआ है। सो यहाँ पे अबाउट टू कमिट का वर्ड जो है उसका मतलब क्या बताया? कमिटिंग, फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर IT Act, दिस कंपोनेंट इज वाइड ओपन फॉर मिसयूज, ठीक है, ये मिसयूज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि मैंने इसी को उठा लिया बिकॉज ही इज अबाउट टू कमिट दिस क्राइम। अब वो प्रूव करना वो बात की बात है, और जब तक प्रूव होगा तब तक आपको तकलीफ तो होना ही है।
ये बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशिया ये ड्रैकोनियन लॉ है या ड्रैकोनियन टर्म है, हम लोग ये बता रहे हैं। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो जो भी फ्रीडम फाइटर थे ना, उनको यही बेस पे उठा के लेके जाते थे कि दिस इज अबाउट टू कमिट दिस क्राइम, किया नहीं किया वो जाने दो, लेकिन अबाउट टू कमिट, और उसके बाद वो उनको 6 महीना 1 साल बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। सो यहाँ पे यही है कि देर आर मेनी चांसेस जब इनोसेंट लोग जो है ना उनको हम लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और बहुत बार आप देखो कि बहुत सारे लोकेशंस पे आपको ये मेंटेलिटी मिलता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये हो सकता है। सो यहाँ पे देखो वही है, अ पर्सन इज विजिटिंग अ वेबसाइट विच इज गिविंग अ इन्फो अबाउट हाउ टू हैक अ वेबसाइट। तो सेक्शन 66 क्या बताता है, सेक्शन 66 इज कॉग्निजिबल ऑफेंस, हैकिंग अ कंप्यूटर इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, सेक्शन 66 हैकिंग अ वेबसाइट आता है। सो उसने क्या किया है, ये सिर्फ वो टाइम पास के लिए देख रहा था, फन के लिए देख रहा था, लेकिन अब लोगों ने जाके पकड़ लिया उसको। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना तो भूल ही गया, ताड़ा तो अभी तो बंद हो गया, लास्ट अपना जो संजू बाबा गया था उसके बाद ताड़ा एक्सपायर करके उसके जगह नया रूल आया, तो ताड़ा नहीं है अभी। अब देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझते हैं, हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया के बारे में समझा है। अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, स्टेट टू स्टेट आपके रूल्स अलग रहते हैं, और इंडिया में अगर आप देखेंगे ना जो पोर्नोग्राफी है उसके लिए एक बहुत अलग सा एक माहौल है, ठीक है। लाइक ब्राउजिंग अ पॉर्न मटीरियल इज नॉट अ क्राइम, बट डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिशिंग शेयरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज अ क्राइम। मतलब पॉर्न साइट्स एक्सेस करना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन पॉर्न साइट्स बनाना इज अ क्राइम। एंड दैट्स वाई इंडिया में बहुत सारे जो पॉर्न साइट्स है जो बैंड हो गए, और अगर कोई न्यू अगर आपको मिलेंगे तो वो फॉरिन सर्वर्स वाले मिलते हैं। मतलब पीपल आर यूजिंग स्पेशली अ फॉरिन सर्वर्स, और वहां से वो चीजें होस्ट होता है, यहाँ से नहीं होते। मतलब इंडिया के बाउंड्री के बाहर जो कंट्री में दिस इज लीगलाइज्ड वहां से करता है। अब ऑब्सकैन मटेरियल शेयरिंग या ट्रांसमिटिंग ऑब्सकैन मटेरियल, इन शॉर्ट हम लोग लॉ टर्म में ये बोलते हैं ऑब्सकैन मटेरियल्स। अब शेयरिंग ऑब्सकैन मटेरियल इज अ क्राइम। आप देखो कि आपने व्हाट्सएप पे कोई ऐसा चीज स्प्रेड किया अपने फ्रेंड को, आपके साथ उसका पंगा हो गया, उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया कि ये ऑब्सकेन मटेरियल स्प्रेड कर रहा है, आईटी एक्ट के बेस के ऊपर आपका तो हो गया, होगा कि नहीं होगा बताओ, चलो जल्दी। हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना, और आपने जब ऐसे साइट्स या कुछ अगर बैंड हुआ था वो टाइम पे आपने देखा रहेगा, बहुत सारे अपना हम लोग के वेल विशर्स थे ऐसा पूरा एक आर्टिकल भर के भेजते थे कि इफ दिस साइट इज नॉट एक्सेसिबल यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर देयर देयर देयर, ऐसे 10 साइट एक अच्छा सा एकदम इनविटेशन शादी का आता है वैसा इनविटेशन प्रिपेयर करके बहुत सारे लोगों को मिला रहेगा। सो अब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है और वो टाइम पे दिस कम्स अंडर कॉग्निजिबल क्राइम बाय द वे, और उसमें भी अगर कोई एक कैरेक्टर या कुछ आ रहा है जो अगर चाइल्ड है या चाइल्ड जैसा है, मतलब जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज अंडर 18, सो ये केस में आप व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ शेयर भी कर रहे हैं ना तो वो टाइम पे कॉग्निजिबल केस अप्लाई होगा, सेक्शन 80 अप्लाई होगा, और डायरेक्टली उठा के उसको डाल देंगे जेल में वाय स्प्रेडिंग ऑब्सकैन मटीरियल, ट्रांसमिटिंग ऑब्सकैन मटीरियल। रिमेंबर सेविंग स्टोरिंग इज नॉट अ क्राइम, अगर मैं अपने हार्ड डिस्क में अगर रख रहा हूं दैट्स नॉट अ क्राइम, बट अगर मैं उसकी कॉपी बना के दे रहा हूं दैट्स अ क्राइम, अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं दैट्स अ क्राइम, अगर मैं ईमेल पे लिंक शेयर कर रहा हूं दैट्स अ क्राइम, ठीक है। सो यहां पे क्या बोला है, सेक्शन 66 जो है ये वाला है। देन पोर्नोग्राफी अगर आप देखेंगे सो आपको यहाँ पे देखो क्या, अ पर्सन विजिटिंग पॉर्न साइट फॉर अ पर्सनल व्यूइंग, ये पर्सनल है, कहीं कहीं पे मिस्टेक है, एंड सेंडिंग मेल टू हिज फ्रेंड अबाउट द वेबसाइट ही कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 66 फॉर ट्रांसमिटिंग ऑब्सकेन मटीरियल। आपने ट्रांसमिट नहीं किया, आपने उसका लिंक शेयर किया है, तो वो लिंक शेयर करना इज अ क्राइम। सो आप देखो कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग के इंडिया के इस जो भी व्हाट्सएप यूज करने वाले 70% लोग जो है वो क्रिमिनल हो जाएंगे, अगर ये जो कानून है वो अगर ढंग से हम लोग जो ऐसा समझ रहे वैसा अगर अप्लाई होने लगे तो, है ना।
अभी हम लोग अगर ये अगर एक एक जन अगर याद भी करेगा तो आपको पता चलेगा आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन तो क्राइम किया ही होगा. ठीक है. सो प्रिपरेशन मीन्स अरेंजिंग अबाउट टू कमिट. व्हेन अटेम्प्ट इज टू कमिट अ ऑफेंस द अटेम्प्ट इज डायरेक्ट. अब ये जो चीज़ है ना ये क्यों रखा हुआ है. अगर मुझे कोई मिलता है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया हुआ है, या आप देखो कि केरला और वहाँ पे ना लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टेट लोग के अगेंस्ट उनको भड़काया जाता है रेडिकलाइज करके, फिर उनको अपने लॉन वुल्फ अटैक सुना रहेगा. जो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उसमें ऐसे लॉन वुल्फ अटैक होते हैं. लॉन वुल्फ अटैक का मतलब क्या हो गया कि कोई एक पर्सन एनकरेज हो गया ऐसे आईसीस के आइडियोलॉजी से, फिर वो ट्रक लेके कहीं पे घुस गया. फ्रांस में हुआ था जैसे मॉस्क के अंदर वो बंदूक लेके घुस गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया. सो वो भी कोई ना कोई आइडियोलॉजी. जो न्यूजीलैंड में हुआ था फेसबुक पे उसने लाइव भी डाला था ये सब. फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन ट्रक लेके एक बंदा आ जाता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है, और वो भी ऐसे दिन जब वो रोड पूरा भरा हुआ है. दूसरे केस में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं, अबाउट टू कमिट क्राइम मतलब अगर आपने ऐसे ट्विटर हैंडल या ऐसा कुछ किया है सो दैट इज कंसिडर एज अबाउट टू कमिट, और उसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकता है. क्यों? यू आर ट्राइंग टू रेडिकलाइज द पीपल, तो उससे आप इंडिया के ऊपर आप अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया. आपको समझ में आ रहा है मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स बेसिकली यूज करते हैं, और जिसका टर्म या जिसका मीनिंग है ना बहुत ब्रॉड निकलता है. सो अगर हम लोग जब रिपोर्ट्स या कुछ फाइल करते हैं ना तो उसमें ऐसे ब्रॉड टर्म यूज किए जाते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यू आर ट्राइंग टू हैम्पर और डिस्ट्रैक्ट द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया. पहले तो समझने में ही हम लोगों को 10 मिनट लगेंगे, और जब समझेंगे तो उसके 1000 मतलब निकलेंगे. तो जब अगर कोर्ट रूम में है ना तो मैं इसको 1000 वे में आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकता हूँ, आपके लिए भी यूज कर सकता हूँ. ठीक है. और आई कैन से कि यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो वहां पे भी अगेन क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जो भाईचारा है आप उसको मिटाने की ट्राई कर रहे हो. आई होप दिस इज क्लियर. अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग, और इसमें अभी बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं ना वो बहुत क्लियर रहते हैं. जैसे बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं तो आप घर में बैठ के बॉम्ब बना रहे हो. अब यहाँ पे पूछने की बोलने की जरूरत ही नहीं है, बॉम्ब बना रहा वो बात ही अलग है. हाँ यस, अक्षता शेट प्रॉपर है. सो वो जो बार्ड ऑफ ब्लड में बताया था वो भी प्रॉपर है. वी कैन टेक दैट एग्जाम्पल एग्जैक्टली. सो आपको देखो, अ पॉइंट वेयर सीरीज ऑफ एक्ट स्टार्टेड कैन नॉट बी डिफाइंड बट इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रक वॉज कैरिंग पैडी फ्रॉम मुंबई टू डेली. डेली इज इन ब्रीच ऑफ मुंबई पैडी ऑर्डर. सो यहाँ पे क्या है कि उसने क्या बोला कि हम लोगों ने मुंबई में कुछ अलाव किया था कुछ अलाव नहीं किया था, और उसके बेस के ऊपर सपोज आपने कोई कोई सर्टन केस में उसको पकड़ लिया. अब आप देखो कि बहुत सारे फॉरिनर्स आते हैं. अब रेलवे स्टेशन के ऊपर स्मोकिंग अलाउड नहीं है. जो फॉरेनर्स आते हैं ना उनको पता नहीं है, बिकॉज उनके यहाँ पे बहुत बार रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे ये चीज़ कॉमन रहता है. इंडिया में ये कॉमन नहीं है. आप ट्रेन में अगर सिगरेट लाइट करेंगे तो लोग आपको देखते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड. पहले अलाउड था लेकिन नाउ इट इज़ नॉट अलाउड. तो वो क्या हो गया, वो क्राइम हो गया. मतलब वो एक अनजाने में किया हुआ चीज़ है. तो यहाँ पे अगर आप देख, कोई एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ एक रूल तोड़ा है तो इट माइट पॉसिबल कि उसको वो रूल के बारे में पता ही नहीं था, इसके लिए वो रूल टूटा है. जैसे हम लोग गुजरात में हैं, अब कोई एक फॉरेन टूरिस्ट जो है वो सपोज गुजरात में ही, आपने वो दमन एंड दीव सुना रहेगा. सो वो जो है वो यूनियन टेरिटरी है, एंड उसमें अगर कुछ क्राइम होता है ना तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में रजिस्टर होता है, वो गुजरात के कोर्ट में नहीं जाता है. सो मतलब दैट टेरिटरी इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट. तो वहाँ पे अगर आपने मारामारी किया, वहाँ पे अगर पुलिस ने पकड़ा ना, तो उसका केस का हाजिरी लगाने को मुंबई में आना पड़ता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब आप देखो कि कोई एक फॉरेनर है जिसको पता नहीं है, उसने मस्त वहाँ पे जाके पार्टी किया. जो दमन एंड दीव में लोग वहाँ पे इसी के लिए जाते हैं, आपको वहाँ पे जो चाहिए वो सारे बॉटल्स मिलेंगे. अब वो बॉटल आप दमन एंड दीव के बाहर अपने घर पे गुजरात में लेके जा रहे हो, दैट इज अ क्राइम, बिकॉज गुजरात इज अ ड्राई स्टेट.
अब मुझे नहीं, कहां से दमन एंड दीव का बॉर्डर खत्म होता है, कहां से गुजरात का बॉर्डर चालू होता है, और इंस्पेक्टर ने मुझे क्यों पकड़ा, उसने डायरेक्ट मेरे पे जो स्मगलिंग का केस डाल दिया, लिकर स्मगलिंग का। सो ये क्या है कि यहाँ पे बहुत बार ये जो केसेस है ना, ये रॉन्ग वे में यूज होता है या हम लोग के अगेंस्ट यूज होता है, ठीक है। विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, बाद में वापस। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि क्रिप्टो करेंसी यूज करके, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ बिटकॉइन, दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी यूज करके बाइंग एंड सेलिंग हो रहा था ड्रग्स का वेबसाइट के ऊपर। तो अब पुलिस जो है वो कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में बिटकॉइन जा रहा है ये तो पकड़ नहीं सकता है, लेकिन हाँ जो वेबसाइट से वो वो लोग खरीद रहे थे ड्रग्स और वो कहाँ पे डिलीवर हो रहा है ना, वो हम लोग बता रहे थे। या हाँ, भांग लीगल है बेसिकली, यही है। इफ समथिंग इज डिफाइंड इन रिचुअल देन दैट इज लीगल, एंड समथिंग इज नॉट डिफाइंड इन आर रिचुअल्स दैट इज नॉट लीगल, दैट इज इन लीगल। सो आप देखो कि अभी वो जो केस चल रहा है बहुत बार, वो जो सुशांत शर्मा के मर्डर के बाद में जो चल रहा है, सो वो केस तो बाजू में ही है। वी आर प्योरली वर्किंग ऑन दिस NDPS एक्ट के अंदर ही हम लोग सबको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, और उसमें हम लोग IT एक्ट के साथ उसको ऐसे लिंक कर रहे हैं कि वो कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर इससे ये डिमांड किया था, आपने व्हाट्सएप के ऊपर ये डिमांड किया था, यहाँ से आपने पैसा उसके पास से रिसीव किया था जिसके अगेंस्ट। अब सिंपली अगर मैं बोलता हूँ आपको कि गांजा जो है, बराबर है, वीड्स जो है, दैट इज समथिंग विच वी आर इन इंडिया एंड इन मैनी कंट्रीज दे आर यूजिंग फॉर मेडिकेशनल पर्पज, तो वो हमेशा इनलीगल नहीं है, उसका फार्मिंग भी होता है, आपके पास लाइसेंस है तो फार्मिंग होता है। एंड बाय द वे आप देखो कि वो बहुत सारे, आप जो ये कुंभ मेला और वहाँ पे अगर जाओगे तो, और वहाँ पे वो जो आपको सारे जो साधु या लोग मिलते हैं वो बैठ के गांजा ही फूकते हैं। अब अगर यूपी बिहार में आप लोगों को अगर गांजे के लिए पकड़ने लगे ना, तो आधा यूपी बिहार जो है वो जेल में होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे इतने सारे लोग मिलेंगे। और यहाँ पे भी आप देखो कि हर दूसरे कोई तीसरे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, सो दैट इज़ नॉट द बिग थिंग। बट इफ वी आर अप्लाइंग दैट NBPS ऑन समवन, मतलब वी आर ट्राइंग टू मिसयूज दैट। अदरवाइज एक गांजा, 10 ग्राम गांजा मिलने पे आप किसी को अरेस्ट करते हो, न्यूज़ में उसका इतना पब्लिसिटी कर देते हो कि भाई इसने ड्रग्स लिया, अरे ड्रग्स नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंस। सो आप कैसे वे में किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट इज़ द मेन थिंग कि वी आर यूजिंग और मिस यूजिंग सम एक्ट। सो यहाँ पे NDPS को हम लोग बहुत अलग वे में मिस यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोगेंडा चला रहे भाई, आर यू ट्राइंग टू सेल समथिंग ऑन ऑनलाइन, या भांग इज लीगल सो, बट अगर NBPS के हिसाब से अगर हम लोग टेक्निकली अगर देखेंगे और उसमें कोई सब्सटेंस ऐसा आ रहा है जो NBPS में अगर अलाउड नहीं है, देन दैट इज इनलीगल। सो मेनली इफ यू ट्राई टू से कि टेक्निकली इट इज लीगल, तो NBPS में जो जो सब्सटेंसेस बोले उसमें से जो कोई भी सब्सटेंस अगर वो भांग में विच यू आर सेलिंग वो वहाँ पर अगर नहीं है, देन इट इज लीगल। सो द वे यू आर आस्किंग आई एम गिविंग दैट लॉ वाला आंसर ओनली, ओके। हाँ, दूसरा एक मैं आपको, हाँ, सो एडिक्टिव सिंथेटिक ड्रग्स जो है, या सो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, अगर भांग अगर लीगल होता था तो पान वाले जो भांग बेचते हैं ना वो डायरेक्टली बेचते थे, एंड जो मंदिर में जो भांग बनता है वो एक रिचुअल के अंदर बन रहा है। सो कोई भी लॉ रिचुअल्स को, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पिक्चर में आता है, सो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो राइट टू फॉलो योर रिचुअल्स या रिलीजन, दैट्स नॉट अ क्राइम। और कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा कानून जो पब्लिक के लिए अवेलेबल फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता हो, ऐसे रूल्स को हम लोग, जब फंडामेंटल राइट्स को अगर वो बाईपास कर रहा है तो ऐसे रूल्स को हम लोग बाईपास कर सकते हैं। मतलब अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके महाशिवरात्रि और उस दिन अगर हम लोग भांग बना रहे, भांग अवेलेबल करा रहे, दैट्स नॉट अ क्राइम। बट इफ़ यू आर सेलिंग इट ऑनलाइन और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसका हैबिट हो रहा है, आदत हो रहा है, मेंटली इफ दे आर गेटिंग अनस्टेबल, सो वो जो है वो क्राइम होगा। नहीं,
आप नाम कोई दूसरा यूज करो, लेकिन अगर वो सब्सटेंस अगर वो सेम आ रहा है ना, दैट्स इनलीगल। आप देख लो कि सर्टन थिंग्स आर नॉट प्रूवन तो भी वो लीगल नहीं है। लाइक आप देखो कि बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर है ना ई सिगरेट्स जो है दैट इज लीगल, या बहुत सारे जगह पे वो बेसिकली ई सिगरेट्स जो बेच रहे थे ना, वो ये टर्म्स डाल के बेच रहे थे कि वी आर सेलिंग हर्बल सिगरेट्स। ठीक है, ई सिगरेट्स को वो हर्बल सिगरेट का नाम दे रहे थे। मतलब हर्बल सिगरेट का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैंने नाम बदली किया वहाँ पे, लाइक डैनियल इज आस्किंग, तो अगर नाम बदली किया मैंने एक ई सिगरेट को, मैं वहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर हाँ सो अगर वो गवर्नमेंट या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू रिक्वायर्ड अ लाइसेंस, और वो लाइसेंस के बेस के ऊपर इफ समवन आर सेलिंग समथिंग, तो वो उनके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उन्होंने किसको बेचा और क्यों बेचा। जैसे आप देखो कि एसिड जो है वो हर एक शॉप में बेचना लीगल नहीं है, आपको वो बेचने के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और आप किसी को बेचोगे तो आपके पास उसका डिटेलिंग होना चाहिए कि आपने उसको बेचा तो क्यों बेचा। और वो नॉर्मली शॉप्स रखते नहीं है, जैसे अभी तक देखो कि जब तक ये सुशांत शर्मा का केस चालू नहीं हुआ था, तब तक जो गांजा है वो भी हर दूसरी जगह मिलता था, और वहाँ पे कोई पुलिस को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, और आज भी नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट कि वो कहीं ना कहीं वो केस से अगर लिंक्ड हो तो। वैसे ही अगर मैं भांग बेच रहा हूँ, कोई भी बेच रहा है, तो वो टाइम तक वहाँ पे वो लीगली एक्शन नहीं लेंगे जब तक कोई केस क्रिएट नहीं होता है, और वो केस क्रिएट होने के बाद में फिर किसको विक्टिम बनाना उसके लिए दे विल स्टार्ट हंटिंग। सो ये चीज़ होता है। तो अब आप देखो कि ऑनलाइन अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिगरेट्स बेच रहे हैं, अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट जो आता है उसका मेन कंसेप्ट क्या रहता है कि आप वहाँ पे डायरेक्टली, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। सो इफ समवन इज सेलिंग समथिंग लाइक दिस, तो वो टाइम पे प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले तो आप ऐसा कुछ चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, जिसको आप हर्बल बना के बेच रहे हैं। ई सिगरेट्स में क्या होता है, वी पुट लिक्विड निकोटिन, और ये जो लिक्विड निकोटिन है वो वेपर्स बन के जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। सो वॉट पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यर कि इफ यू आर इनहेलिंग निकोटिन दैट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू, एंड उसको आप सेम अगर टबेको के साथ अगर लेते हो तो टबेको इज हार्मफुल, उससे कैंसर होने के चांसेस है, लेकिन आप अगर उसको नॉर्मली अगर लेते हो तो उससे कैंसर होने के चांसेस नहीं है। बट यहाँ पे कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि अगर एक्सेसिव निकोटिन अगर ब्लड में जाता है तो उसके क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी जेन्युइन प्रूफ, इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग स्टेटिंग इट्स हर्बल, दैट मीन्स यू आर एनकरेजिंग पीपल हु आर नॉट अ स्मोकर, यू आर एनकरेजिंग दोज पीपल एज वेल कि ओके स्मोकिंग इज हर्बल विद द हेल्प ऑफ ई सिगरेट्स, तो नहीं भी पीते हो तो पियो, गेटिंग। सो इसके लिए हम लोगों ने फिर वो जो कंपनी जो वेबसाइट्स ये सब चीज़ें डाल रहे थे ये न्यूज़ में आया था, एंड देन उन्होंने वहाँ पे अभी वो स्टेटमेंट्स चेंज करके अभी दे आर सेलिंग एट ई सिगरेट्स ओनली, उसको हर्बल वर्ड जो है वो हटा दिया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, एंड प्रूविंग और प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ अगेन अ फंडामेंटल राइट, जो पहले नहीं था। अभी आपको अगर पता रहेगा तो दिस बिकेम अ फंडामेंटल राइट, RTI 2005 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया था। हम लोग बहुत बार RTI फाइल करते हैं ना, तो सेम वे आपको प्रोडक्ट के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ अगर बताता है तो दैट इज योर राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी आप मेडिसिन कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है वो आपको पूछे बिना कंपनी को बताना है, ये प्रूव होता है। और उसी के दैट इज द मेन रीजन, आप देखो कि मैगी जो बैंड हुआ था उसके ऊपर जो इतना इशू हुआ था उसका रीजन क्या था, द कंटेंट विच दे हैव प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट आर डिफरेंट कंपेयर टू द ओरिजिनल टेस्टिंग परफॉर्म्ड ऑन देयर प्रोडक्ट, एंड दैट मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन गॉट वायलेटेड। क्या ध्रुव, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से वाजंट सेम, मतलब हाँ अगर सेम नहीं है तो ऑफकोर्स वही होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, सो Anyone, any other question? Anyone? ठीक है। Okay, so guys, let's do one thing. If you have ATKT exam, then I'll stop today's lecture here only.
नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।